राम राजैसा कार होठे, राम राजैसा कार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राजैसा कार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राजैसा कार होठे, राम राजैसा कार मानव मुक्ति पाए, राम राजैसा कार होठे, राम राजैसा कार
क्षमता की खाई विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार होके राम राज साकार चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई कंठों से फूटे श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो राम राज साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज राम राज हो राम राज हो राम राज ज्वला
यह एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स और शास्त्र सम्मत सूत्र हमारे भीतर परिवर्तन के उस दीप को प्रज्वलित करेंगे जो ना केवल हमारे जीवन के अंधकार को दूर करेगा बल्कि वो हमें एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सनालिटी के रूप में परिवर्तित कर हमारे साथ साथ औरों के जीवन को भी रोशन करेगा, उनके जीवन को भी आनंदित करेगा। इतिहासकार बताते हैं कि मैक्सिको के राजा मैक्सिमिलियन का निवास स्थान कैसल ऑफ मायरामेर एड्रियाटिक सागर के तट पर था। इस कैसल ऑफ मायरा खिड़की के ठीक नीचे सागर में कुछ 100 फीट की गहराई पर एक आयरन केज का निर्माण किया गया था। वर्षों उपरांत जब गोताखोरों ने इस आयरन केज को खोज निकाला तो उन्होंने देखा कि उस आयरन केज में बहुत से बहुमूल्य रत्न पड़े हैं। उन रत्नों की चमक, उनका तेज अद्भुत था। लेकिन इस प्रकार सागर के तल में आयरन केज के भीतर इन रत्नों को रखने का क्या तात्पर्य, क्या प्रयोजन? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए इतिहासकारों ने खूब खोज की। खोज के उपरांत उन्हें पता चला कि ये सारे रत्न मैक्सिमिलियन जो राजा है उसकी पत्नी के थे। रानी ने जब बहुत समय तक इन रत्नों को धारण नहीं किया तो ये रत्न यूं ही पड़े पड़े अपनी चमक, अपने तेज को खो चुके थे। इन रत्नों की खोई तेजस्विता, खोई चमक को पुनः प्राप्त करने के लिए एक युक्ति लगाई गई। उस समय के विशेषज्ञों को अप्रोच किया गया, उनके पास गया जाया गया और उनके निरीक्षण में एक युक्ति का प्रयोग किया गया। इस युक्ति में वो जो रत्न थे उन्हें अपने स्रोत वो रत्न सागर से प्राप्त हुए थे और इस युक्ति के अनुसार उन रत्नों को उनके स्रोत सागर में पुनः विसर्जित कर दिया गया कुछ समय के लिए। समय बीता, समय के साथ वह जो रत्न थे वो उसी सागर में अपने स्रोत में तल्लीन रहे और कुछ समय उपरांत क्या पाया गया कि वो जो रत्न थे जो अपनी चमक को खो बैठे थे, अपनी तेजस्विता को खो बैठे थे, पुनः उन्होंने अपनी उस चमक और तेज को प्राप्त कर लिया। सज्जनों, हमारे पास भी एक रत्न है जो संसार के माया के आगोश में अपनी तेजस्विता, अपनी उस चमक को खो बैठा है। वो रत्न है हमारी जीवात्मा। उस आनंद कंद परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी हमारी जीवात्मा हमारे जीवन को प्रकाशित नहीं कर पा रही। हमारे जीवन में अवसाद है, समस्याएं हैं, दुख है।
सजनों यदि हम भी अपनी जीवात्मा की खोई तेजस्विता को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी उसी युक्ति का प्रयोग करना होगा जो उस समय राजा मैक्सिमिलियन ने की थी। हमें भी एक पूर्ण तत्ववेता सद्गुरु रूपी विशेषज्ञ के निरीक्षण में उनके द्वारा प्रदान की गई युक्ति के अनुसार अपने स्रोत यानी उस परमात्मा में तल्लीन होना होगा। हमें पूर्ण सतगुरु के निरीक्षण में उनके द्वारा प्रदान की गई युक्ति के अनुसार प्रभु की जो अनंत लीलाएं हैं इनका जो महासागर है इसमें स्वयं को विसर्जित करना होगा, समर्पित करना होगा, तल्लीनता से प्रभु की लीलाओं को श्रवण करना होगा, इन्हें आत्मसार करना होगा ताकि हम भी अपनी उस खोई तेजस्विता और चमक को प्राप्त पुनः प्राप्त कर सकें। सज्जनों, आदरणीय कथाव्यास इसी दिव्य उद्देश्य के साथ कि हम सब प्रभु के जो अंश हैं, जीवात्मा अपनी उस खोई तेजस्विता और चमक को पुनः प्राप्त कर सके, इसी दिव्य उद्देश्य के साथ आदरणीय कथाव्यास भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में इस मोक्ष प्रदायिनी कथा को बांचती है और ओडिशा के इस संबलपुर पावन संबलपुर क्षेत्र में विक्रम संवत 2074 के माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आरंभ होने जा रही यह पावन पुनीत कथा मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ सामाजिक कार्य सामाजिक उत्थान हेतु भी समर्पित है। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे गौ संरक्षण एवं संवर्धन प्रकल्प की सहायतार्थ इस महान भव्य एवं दिव्य कथा का आयोजन किया गया है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से श्री राधा कृष्ण से एकाकार हो आदरणीय कथाव्यास एवं मंच पर आसीन प्रत्येक संत समाज आपके समक्ष दिव्यता से ओतप्रोत मन को आनंदित करने वाले भजन संकीर्तन सहित इस महान कथा को आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए अब और अधिक विलंब ना करते हुए आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से आप सभी की ओर से आग्रह करते हैं कि वो आज के कथा प्रसंग को हमारे समक्ष रखें। एक बुलंद जय घोष प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, माँ समलेश्वरी की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। Vasudevaya Vasudevaya
devotion to you, the deity presiding over the intellect, the abode of all created beings. Hail to you, O ruler of the senses in the form of Pradyumna and Anirudh. Protect me, fallen at your feet, O Lord. हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबारी की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे। 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 आदि गुरु शंकराचार्य या कहें संत निम्बकाचार्य, इन महान तपस्वियों ने जिस धरा को अपनी ध्यान स्थली बनाया, मैं उन महान तपस्वियों की ध्यान भूमि को प्रणाम करती हूँ, इस भूमि को प्रणाम करती हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उस सत्ता ने इस धरा पर मानव के हृदय में श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि को गुंजायमान कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने वृंदावन, मथुरा, गोकुल और द्वारिका को कृतार्थ किया, आज स्वयं जगन्नाथ का रूप धारण कर अपने भ्राता बलदाऊ के संग, अपनी बहन सुभद्रा के संग, जो इसी धरा पर विराजमान है, उन्हीं प्रभु की इस दिव्य भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, या कहूँ भगवान जगन्नाथ के प्रिय भक्तों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस पावन पुनीत धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला, और इससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि जहां हमारे भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है, उस धरा पर रहने का हमें सौभाग्य मिला। और आज ये हमारा महासौभाग्य है कि हमें साक्षात नारायण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप प्रभु की चर्चा को सुनने के लिए अपने गृह कार्यों को विराम देकर यहाँ खींचे चले आए हैं, क्योंकि मेरे बांके बिहारी हैं ही ऐसे, जो भी उनकी चर्चा को सुनता है, जो भी उनकी रूप माधुरी को देखता है, वो स्वयं को रोक नहीं पाता, बस खींचा चला आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंच गए। उस समय श्री विग्रह का बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा था। तुलसीदास जी ने देखा तो आनंद से भर गए, लेकिन प्रभु की मूरत को देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन माथा नहीं टेक रहे। जानते हो क्या किया? कहने लगे, कहा कहो छवियाज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। कि प्रभु, ये तुलसी तो तब अपना मस्तक झुकाएगा जब आप अपने हाथों में धनुष बाण को थाम लोगे। हमारे प्रभु तो भक्त वत्सल हैं। जैसे ही तुलसीदास जी की प्रार्थना को सुना, उसी क्षण अपनी मुरली को एक तरफ रखा और धनुष को धारण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, कहने लगे, वाह प्रभु वाह। और आज अपने कृष्ण की महिमा को देख, अपने प्रभु की दया को देख, 64 पदों से युक्त श्री कृष्ण गीतावली की रचना कर डाली। भक्तों का जीवन ही ऐसा है, वो जब भी प्रभु की महिमा को देखते हैं, जब भी प्रभु की दया को देखते हैं, उनकी कृपा को देखते हैं, तो स्वयं को रोक नहीं पाते और उनकी कलम लिखने के लिए बाधित होती है। हमारे रहीम जी को देखिए, जिस समय उन्होंने मुरली मनोहर का दर्शन किया तो कहने लगे कि हे भांके विहारी, हे कृष्ण मुरारी, अब तो इन नयनों में केवल आपकी छवि बस गई है प्रभु,
अब इन नयनों में और कोई नहीं समा सकता, मेरे हृदय में केवल आपका ही स्थान है प्रभु। देख लीजिए हमारे रसखान जी को। एक दिन एक कथावाचक भगवान श्री कृष्ण की कथा बांच रहे थे। रसखान जी पास से होकर गुजर रहे थे। जब उन्होंने कथा पंडाल में कृष्ण की उस सुंदर सी छवि को देखा, उस चित्र को देखा, तो मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं खड़े होकर टकटकी बांधकर कृष्ण को निहारते रहे। कथा समाप्त हो गई, श्रोतागण वहां से चले गए, लेकिन रसखान जी अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बने रहे। कुछ देर के उपरांत जब उनकी चेतना वापस लौटी, वो पहुंच गए कथा व्यास जी के पास और जाकर प्रश्न किया कि हे महोदय, ये तस्वीर किसकी है, ये चित्र किसका है। जो ही उन महोदय ने सुना, उन्होंने कहा, ये चित्र है बांके बिहारी का, मेरे चित्त चोर का, मेरे कृष्ण मुरारी का। जो ही रसखान जी ने सुना, अगला प्रश्न उनके मुख से जो निकला, कहने लगे, क्या कोई इतना दर्शनीय और कोई इतना मन भावन हो सकता है। इनके इस मुखमंडल ने मेरे हृदय को चुरा लिया है, मुझे बताइए कि ये मुझे कहां मिलेंगे। उस समय उन महोदय ने कहा, आपको ये केवल ब्रज में मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रज के नायक हैं और ब्रज में ही निवास करते हैं, जाओ जाकर इन्हें वहां ढूंढो। रसखान जी चल दिए। जिसका चित्र देखा, जिसकी छवि देखी, आज उसे ढूंढने के लिए वृंदावन पहुंच गए। वीथियों में, घरों में जा जाकर कृष्ण का पता पूछ रहे हैं। और जानते हैं कृष्ण कहाँ मिले? कृष्ण उन्हें मिले कुंज कुटी के तट पर, राधिका के पांव दबाते हुए, राधिका के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण मुरारी का दर्शन रसखान जी को हुआ। अपने प्रभु का सौंदर्य देखा तो हृदय से एक पुकार उठी, कहने लगे, प्रभु यदि मुझे कोई अगला जन्म दे तो मुझे इससे वृंदावन में कोई लता और बूटी बना दीजिएगा। अगर मैं मानुष के रूप में जन्म लूं तो मुझे रसखान बनाइएगा। अगर मैं किसी पशु के रूप में जन्म लूं तो मुझे नंद की गाय बना दीजिएगा। और अगर मैं किसी पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मुझे गोवर्धन का रूप दे दीजिएगा। प्रभु मुझे स्वयं से मिलने का मौका दीजिए, मुझे अपने श्री चरणों का स्पर्श दीजिए। रसखान जी आज प्रभु का दर्शन किया, अपने हृदय को प्रभु के रस से सराबोर किया और सच में रस की खान बन गए। हमारे प्रभु का सौंदर्य है ही ऐसा, उनका तो चलना भी सुंदर है, उनका तो बैठना भी सुंदर है, उनका तो खेलना भी सुंदर है, उनका हर एक कर्म सुंदर है। आपसे पूछती हूँ, जरा बताइए सुंदरता की परिभाषा क्या होती है? सुंदर किसे कहते हैं? वो जिसके समक्ष कोई दूसरा कुरूप लगने लगे। सुंदर वो है जिसके समक्ष चंद्रमा फीका लगने लगे। सुंदर वो है जिसके समक्ष कमल की शोभा भी कम हो जाए। आपसे पूछती हूं, बलवान की परिभाषा क्या है? आप कहेंगे, वो जिसके समक्ष कोई जीत ना पाए, हर कोई पराजित हो जाए, वो बलवान है। आपसे पूछती हूं, विद्वान कौन है? आप कहेंगे, जिससे कोई तर्क में जीत ना पाए, जिससे कोई वाद और विवाद में जीत ना पाए, वह विद्वान है। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरता की बड़ी सुंदर परिभाषा दी रामचरितमानस में, और वह एक बड़ी सुंदर घटना का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि जिस समय माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता जानकी चल दिए वनवास की ओर। और जब वनों की ओर प्रस्थान किया तो उनकी भेंट हुई वनवासियों से। जब वनवासियों में उन लोगों ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सौंदर्य को देखा तो उन्होंने कहा, आज पता चला कि नीलम इतना सुंदर क्यों है, आज पता चला कि सोने में इतनी चमक क्यों है। ये जो बड़े राजकुमार है, अवश्य ही इनकी जो छवि है वो एक साधारण से पत्थर में पड़ गई होगी और वो नीलम की भांति शोभायमान हो गया होगा। ये जो छोटा राजकुमार है, इसके स्पर्श से ही एक साधारण सी धातु सोने में बदल गई होगी, इन्होंने ही इसे इतना सौंदर्य प्रदान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
हमारे समक्ष सुंदरता की एक बड़ी सुंदर परिभाषा रखी और उन्होंने कहा, सौंदर्य वो है, असली सुंदरता वो है जो कुरूप को भी सुंदर बना दे। और हमारे श्री राम, हमारे बांके बिहारी, उनकी सुंदरता ऐसी है कि जब उसे भक्त देखते हैं तो उनका जीवन सुंदर बन जाता है, उनके जीवन में भी खुशहाली और आनंद आ जाता है। हमारे प्रभु की सुंदरता ऐसी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस समय इस संपूर्ण धरा पर, इस भारत भूमि पर उन्होंने भ्रमण किया, धर्म और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, भारतीय संस्कृति को भारतवासियों में जीवंत किया, तदोपरांत भ्रमण करते करते आदि गुरु शंकराचार्य जी पहुंच गए जगन्नाथपुरी, जहां हमारे जगन्नाथ महाप्रभु निवास करते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस समय प्रभु के उस सुंदर से दिव्य स्वरूप के समक्ष जाकर खड़े हुए, प्रभु की उस सुंदर छवि को निहारा तो गदगद हो गए, हृदय के भीतर भाव सुमनों ने जन्म लिया। और आज अपने जगन्नाथ की स्तुति करते हुए, उनके श्री चरणों में अपने भाव सुमन को अर्पित करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जगन्नाथाष्टकम की रचना की और बड़े सुंदर शब्दों में वे अपने जगन्नाथ की महिमा गा रहे हैं। और क्या कहते हैं, राज कालिंद तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीर नारी बदन कमला स्वाद मधुपह, रमा शंभु ब्रह्मा मर पति गणेशाचित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव सभी वेणुं शिरस शिखि पिच्छंकटि तटे, रुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी महाबोधि सीधे कनक रुचि रे नील शिखरे, वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेन बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसर दो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, भव तुमे। पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो,
रमावाणि राम स्फुरत मल पंके रुमुखा सुरेन्द्र राराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे भवतु मे प्रादुर्भावन प्रतिपद मुकारण्य सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगता सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे ब्रह्मा पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रु निहित चरणो अनंत शिरसि रसानंदि राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे भवतु मे वैयाचे राज्य न च कनक माणिक्य विभव न याचे अहम रम्यां सकल जन काम्यां वर वधुं सदा काल काले प्रमत पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे भवतु मे संसारं धृततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमिमपराया तव पते अहो दीनानाते निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूपों का गान किया और बारंबार प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना रखी कि प्रभु मुझे आपकी ही शरण चाहिए, मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए, प्रभु स्वीकार कीजिए।
आदि गुरु शंकराचार्य जी वह भी जब कृष्ण की उस दिव्य स्वरूप को देखा तो प्रभु के उस रूप माधुर्य को देखकर स्वयं को रोक ना पाए और इस अष्टकम की रचना कर दी। हमारे वेद व्यास जी वे तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जिसने द्वापर युग में आकर लीलाएं की ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है जो मानव देह को धारण कर आया है और इस धरा धाम पर लीलाएं कर रहा है। केवल संतों और महापुरुषों में नहीं, यहां तक कि कवि भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने कृष्ण के उस रूप माधुरी को देखा तो वह भी अपने कलम को रोक नहीं पाए और अपने सुंदर सुंदर शब्दों से कृष्ण को बांधने का प्रयास किया और बड़े ही सुंदर शब्दों में क्या कहा। पंजाब की एक कवि हुई हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, वे क्या कहती हैं, छैल वो छबीला हर रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूं देवतों से न्यारा है, माल गले सोहे नाक मोती सिद्ध सोहे, कान मोहे मन कुंडल शिश मुकुट धारा है, दुष्ट जन मारे सत जन रखवारे ताज, चित्त हित वारे प्रेम प्रीति करवारा है, नंद जू का छोरा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। जिसने भी प्रभु को देखा वो मुक्त कंठ से प्रभु की महिमा गा उठा, अपने सुंदर सुंदर शब्दों में उसने प्रभु का स्तुति गान किया। हमारे वेद व्यास जी जब उन्होंने अपने अंतर्घट में भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं को देखा तो अंतर्घट में उन लीलाओं का दर्शन कर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। 12 स्कंद 18,000 श्लोकों का सम्मिश्रण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं और उनके चरणों में बैठकर राजा परीक्षित उसे सुन रहे हैं। आइए, संतों महापुरुषों ने एक सुंदर सी कथा की रचना की है, उन्होंने मानव जाति का मार्ग दर्शन करने के लिए एक सुंदर सी कहानी को हमारे समक्ष रखा है। आइए उन्हीं कथाओं से उन्हीं कहानियों से अपने जीवन का मार्ग दर्शन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सुंदर राह की ओर ले चलते हैं। लेकिन इस कथा और इस कहानी को आरंभ करने से पूर्व आप सबको ये बताना चाहेंगे कि संतों और महापुरुषों ने इन कथा और कहानियों को ही क्यों चुना। जानते हो, कथा और कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इंसान सबसे ज्यादा जल्दी समझता है और ग्रहण करता है। आपसे पूछती हूं, आप बताइए कि एक मछली किससे प्रेम करती है, किससे प्रेम करती है, किससे प्रेम करती है मछली? थोड़ी आवाज तेज होनी चाहिए, किससे, किससे? पानी से। और अगर उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होता है, मछली मर जाती है। ये जो सार है जो हमें बाल्यावस्था से अब तक याद है, ये हमने कब सीखा और कैसे सीखा? आपको याद होगा बचपन से एक छोटी सी कहानी हमारे अध्यापक हमारी माँ हमें सिखाया करती थी, कौन सी, मछली जल की, मछली जल की जीवन उसका, आपकी आवाज आनी चाहिए, मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओ बाहर निकालो, वाह, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी। कभी सोचा कि बचपन में सिखाई गई बात आज भी हमें हमेशा याद रहती है, क्यों? क्योंकि हमारे अध्यापक ने, हमारी माँ ने हमें ये कहानी, ये शिक्षा एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से सुनाई, जो मछली की कहानी थी। सज्जनों, यही एक माध्यम है, ये कथाएं, ये कहानियां, जिसके द्वारा इंसान बहुत जल्दी सीखता है। इसलिए माँ अपने बच्चे को बाल्यावस्था से कहानियां सुनाना आरंभ कर देती है और उन कहानियों के पीछे जो सार छिपा है उसे अपने बालक को, अपनी बालिका को प्रदान करती है। हमारे रिसर्चेस कहती हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को कोई बात पॉइंटर्स में, बुलेट्स में समझाते हैं तो उसे समझ जल्दी नहीं आएगा,
क्योंकि उस स्थिति में उसके ब्रेन का कुछ ही हिस्सा है जो एक्टिवेट होता है और उसे कहा जाता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया। वे केवल शब्दों को डिकोड कर पाएगा, उसके सार को कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन रिसर्चेस कहती हैं, जब आप किसी को कथा सुनाते हो, जब आप किसी को कहानी सुनाते हो, तो उसका जो ब्रेन है उसका बहुत बड़ा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे है आप किसी चीज को खुद एक्सपीरियंस करो, उस समय आपका ब्रेन, आपका दिमाग जैसा काम करता है वैसा ही ब्रेन आपका काम करता है जब आप किसी से कहानी सुनते हो, आप कथा सुनते हो, और उन कहानियों को सुनकर आप जल्दी अपने अंदर उतारते हो और एक लंबे समय तक याद रखते हो। ये कहानियों का प्रभाव है। इसलिए महापुरुषों ने मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए, उनके जीवन में से अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए कथाओं और कहानियों का सहारा लिया और मानव के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके रख दी। आइए सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से संतों महापुरुषों ने हमें कौन कौन सी प्रेरणाएं दी हैं, आइए उसे ग्रहण करते हुए चलते हैं। कथा आरंभ होती है कि एक दिन नैमिष्य अरण्य क्षेत्र में सूची महाराज अपने आसन पर विराजमान थे। उनके समक्ष उपस्थित हुए शौनक आदि ऋषि और सूची महाराज के समक्ष प्रणाम करते हुए उन्होंने अपनी अभिलाषों को उनके चरणों में रखा। कहने लगे, हे महात्मन, आज से पूर्व हमने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज हम वो कथा सुनना चाहते हैं जिससे प्रभु के प्रति जो हमारी भक्ति है वो और दृढ़ हो जाए। कथा सारंग मम कर्ण रसायनम, हमें वो कथा सुनाइए जिससे सुनकर हमारा हृदय आनंद से भर जाए। हमारे हृदय में एक प्रश्न है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए, धर्मराज युधिष्ठिर अपने भ्राता और अपनी पत्नी के संग स्वर्गारोहण कर गए, तदोपरांत उनके जीवन में, उनके वंश में क्या हुआ, हम वो सब विस्तार से सुनना चाहते हैं। जब शौनक आदि ऋषियों ने सूची महाराज के चरणों में यह प्रश्न रखा तो सूची महाराज ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, अब ध्यान से सुनो। स्वर्गारोहण से पूर्व ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को मथुरा के राज्य प्रदान कर दिया और अपने पौत्र परीक्षित को उन्होंने हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप दी और स्वयं स्वर्गारोहण कर गए। कुछ समय बीता और एक दिन महाराज परीक्षित मथुरा की ओर बढ़ गए वज्रनाभ से मिलने के लिए। हृदय के अंदर एक अभिलाषा थी कि चलकर वज्रनाभ से मिलूं और उसका हाल चाल पूछ कर आऊं। इसी भावना को मन में संजोए महाराज परीक्षित चल दिए मथुरा नगरी की ओर। उधर जैसे ही वज्रनाभ ने यह सुना कि परीक्षित आ रहे हैं, महाराज परीक्षित मुझसे मिलने आ रहे हैं, उसी क्षण वह अपने नगर से बाहर आए, महाराज परीक्षित का स्वागत किया और उन्हें अपने राजभवन में लेके आए। पहले वज्रनाभ से मिले, तदोपरांत भगवान श्री कृष्ण की जो अनेका अनेक रानियां थी उनसे जाकर मिले। वज्रनाभ से मिलकर उनसे भेंट की और उनके पास बैठकर घंटों बातें की। महाराज परीक्षित ने कहा, हे वज्रनाभ, आपके परिवार, आपके वंश के मुझ पर अनेकों उपकार हैं। भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण के अवतार हैं, उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया। मेरी माँ कहानी सुनाती थी कि किस प्रकार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि में जलकर मेरा तो प्राणांत हो गया था, मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनुकंपा से, अपनी दिव्य शक्ति से मुझे जीवन दान दिया। मैं चाहूं भी तो भी भगवान श्री कृष्ण के उपकारों का बदला चुका नहीं सकता, हे वज्रनाभ। लेकिन यदि तुम्हें मेरी कभी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य कहना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ज्यों ही वज्रनाभ ने यह सुना, उसके मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं उभर आई। राजा परीक्षित ने देखा, कहने लगे, वज्रनाभ, क्या हुआ, तुम्हारे मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं क्यों? ऐसी कौन सी चिंता है जिसके कारण तुम इस प्रकार व्यथित हो रहे हो?
वज्रनाभ ने कहा, महाराज परीक्षित, यूं तो मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने राज्य का संचालन भी कर रहा हूं और अपने राज्य की सुरक्षा भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप देखिए ना, एक राजा किस प्रकार सुखी रह सकता है जब तक उसकी प्रजा ना हो। ना जाने ये सारे ब्रजवासी कहां चले गए, मेरी प्रजा ही नहीं है, यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जो ही राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की इस दुविधा को सुना, उसी क्षण उसने शांडिल्य ऋषि को बुलाया। शांडिल्य ऋषि कोई और नहीं, नंद आदि गोप कुमारों के पुरोहित थे। शांडिल्य ऋषि महाराज परीक्षित का निमंत्रण स्वीकार कर झट से मथुरा नगरी आ पहुंचे, और जब उस मथुरा नगरी में आए, आज वहां आकर उस जगह पर निवास करके शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे वज्रनाभ, तुम्हारी ये दुविधा, तुम्हारे ये संदेह, तुम्हारे ये प्रश्न, इन सब का उत्तर देने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। तुम जानना चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण, उनके वो वृंदावन वासी, उनकी वो सभी लोग, वो सब क्या है, जानना चाहोगे? पहले ये समझो कि प्रभु की लीला के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा व्यवहारिक। वास्तविक लीला होती है जो अंतर जगत में घटती है, और व्यवहारिक की लीला होती है जो बाहर के जगत में घटती है। जब तक तुम वास्तविक लीला को नहीं समझोगे, तब तक तुम प्रभु की व्यवहारिक लीला को भी समझ नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रज में, जिन्होंने वृंदावन में अनेका अनेक लीलाएं की, अपने गोप ग्वालों, अपने गोपियों के संग न जाने कितनी क्रीड़ाएं की, उन क्रीड़ाओं को तुम यूं समझ नहीं पाओगे, उन लीलाओं का आनंद तुम इस प्रकार सुनकर नहीं ले पाओगे। उसके लिए तुम्हें उस वास्तविक लीला को समझना होगा, तुम्हें अपने अंतर घट में उतरकर कृष्ण का दर्शन करना होगा, तब तुम प्रभु की कथाओं को समझ पाओगे, उनकी लीलाओं को समझ पाओगे। जानते हो वज्रनाभ, ब्रज शब्द का क्या अर्थ होता है? ब्रज शब्द का अर्थ होता है व्युत्पत्ति, अर्थात व्यापक। वो कौन सा स्थान है जो व्यापक है और जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं? शांडिल्य ऋषि ने कहा, वज्रनाभ, वो स्थान कहीं बाहर नहीं, वो स्थान यहाँ है, भ्रिकुटी के मध्य, जहां माताएं बहने तिलक लगाती हैं, और जहां माताएं बहने बिंदी लगाती हैं, और पंडित जन तिलक लगाते हैं। इस स्थान को, जिसे भगवान शिव का तृतीय नेत्र कहा गया, जिसे हमारे शास्त्र ग्रंथों में दिव्य दृष्टि का संबोधन दिया गया, ये स्थान है ब्रज, जहां पर वो सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान सदैव निवास करते हैं और लीलाएं करते हैं। हे वज्रनाभ, तुम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, और भगवान श्री कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, उन सभी लीला स्थली को खोज कर उनका नामकरण करो, और वहां पर प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना करो। वज्रनाभ ने जो ही सुना, कहने लगा, हे महात्मन, मैं नहीं जानता कि प्रभु ने कहां कहां लीलाएं की हैं, मैं तो प्रभु की लीला स्थलियों से भी अनभिज्ञ हूं, मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा? उस समय शांडिल्य ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं वज्रनाभ, जाओ, मेरी कृपा से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थलियों का ज्ञान होगा, वहां पर तुम कृष्ण के श्री विग्रहों की स्थापना करो, और वहां पर लोगों को निमंत्रण दो, और प्रभु की पूजा और उपासना करो, प्रतीक स्वरूप में प्रभु के दिव्य मंदिरों की स्थापना करो, और देखना एक दिन तुम्हें प्रभु की वास्तविक लीला भी समझ आ जाएगी, तुम उन रहस्यों को भी समझ जाओगे। शांडिल्य ऋषि इस प्रकार वज्रनाभ को आज्ञा दी और प्रस्थान कर गए। हुआ क्या, शांडिल्य ऋषि की कृपा और महाराज परीक्षित का पुरुषार्थ दोनों मिल गए, और वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थलियों को खोज निकाला, हर जगह प्रभु के दिव्य मंदिरों का निर्माण किया, उसमें प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना की, और प्रभु की पूजा उपासना की, और उनका नामकरण कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं खेली, प्रभु ने जहां जहां दिव्य क्रीड़ाएं की, वहां पर प्रभु के दिव्य मंदिरों की स्थापना हो गई, लेकिन केवल मात्र प्रतीक स्वरूप में। प्रतीक, क्या आप जानना चाहेंगे प्रतीक क्या होता है?
एक बार एक सज्जन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास आए और उन्होंने आकर यही शब्द, इसी शब्द का अर्थ गुरुदेव से पूछा। उन्होंने कहा, हे महात्मन, हम सदैव शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से सुनते आए हैं कि ये जो बाहर के मंदिर हैं, ये जो बाहर की रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, ये केवल मात्र प्रतीक हैं। हमें समझ नहीं आता प्रतीक शब्द का अर्थ क्या है, आप बताइए। उस समय गुरुदेव ने उनके उस जिज्ञासा को शांत करते हुए प्रतीक शब्द का अर्थ बताते हुए कुछ एग्जाम्पल दिए। गुरुदेव ने कहा, पहला एग्जाम्पल, जिस समय जॉर्ज पंचम राजगद्दी पर बैठे, उनके हाथ में एक डंडा था। सामने खड़े एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कहने लगे, आपने हाथ में डंडा क्यों पकड़ा है? तो उस समय जॉर्ज पंचम ने कहा, ये डंडा मेरी राज सत्ता का प्रतीक है, ये प्रतीक है कि आज से इस राज्य का संचालन मैं करूंगा। दूसरा उदाहरण, जिस समय भारत आजाद हुआ, गवर्नर माउंटबेटन जिस समय इस धरा को छोड़कर अपने विदेशों की ओर प्रस्थान करने लगे, उस समय भारत के प्रतिनिधि राजगोपालाचार्य के हाथ में एक डंडा थमा दिया और उनसे कहा, अब आप मुक्त हैं, अब आप स्वतंत्र हैं, लीजिए अपने राज्य को संभालिए और इसका संचालन कीजिए। वो जो डंडा माउंटबेटन ने दिया, वो डंडा प्रतीक था भारत की स्वतंत्रता का। जिस समय भारत स्वतंत्र हो गया, उस समय लाल किले पर से यूनियन जैक का झंडा उतार दिया गया और भारत का तिरंगा लगा दिया गया। भारत का तिरंगा लाल किले पर फहराया गया, ये घटना भी प्रतीकात्मक है। ये प्रतीक थी कि भारत स्वतंत्र हो गया, भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। श्री महाराज जी, जब उन्होंने ये तीन एग्जाम्पल उन्हें दिए, गुरुदेव ने कहा, अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रतीक शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रतीयते प्रत्येति वा इति प्रतीकः, जो किसी दूसरी वस्तु की ओर इशारा करे उसे कहते हैं प्रतीक। जो हमें किसी और दिशा की ओर जाने का ज्ञान दे उसे कहते हैं प्रतीक। इसी प्रकार कृष्ण अनुरागियों, आज इस धरा धाम पर अनेकों मंदिर बनाए गए हैं, जहां भगवान के भक्त नित्य जाते हैं और प्रभु की पूजा करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं। ये मंदिर क्या है? ये मंदिर प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये मंदिर? प्रतीक है कि ऐसा ही मंदिर तेरे अंदर है। जरा मंदिर शब्द को दो टुकड़ों में विभाजित करो, मन प्लस अंदर, अर्थात मन के अंदर। जिस भगवान को ढूंढने के लिए, जिस भगवान का दर्शन करने के लिए हम मंदिर की ओर जाते हैं, ये मंदिर प्रतीक है कि वो भगवान कहीं बाहर नहीं, वो भगवान तेरे अंदर विराजमान है, वो तुझसे कहीं दूर नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना है। इसी प्रकार प्रचार प्रसार करते हुए, धर्म और ज्ञान को बांटते हुए, वो एक ऐसे राजा के पास पहुंचे जहां के राजा ने विवेकानंद जी से एक प्रश्न किया। कहने लगे, आपके धर्म में ये मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा क्यों की जाती है? विवेकानंद जी ने प्रश्न सुना, उत्तर नहीं दिया और राजा के पीछे एक तस्वीर लगी थी उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, महाराज ये तस्वीर किसकी है? राजा ने कहा, ये मेरे पिताश्री की तस्वीर है। विवेकानंद जी ने कहा, जरा इस तस्वीर को उतारिए तो सही। राजा ने तुरंत तस्वीर उतार ली। विवेकानंद जी ने कहा, अब जरा इस तस्वीर पर थूकिए। राजा ने सुना, बड़ा हैरान हो गया, कहने लगा, आपने क्या कहा? विवेकानंद जी ने कहा, मैंने वही कहा जो आपने सुना, जरा इस तस्वीर पर थूकिए तो सही। उस राजा ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये मेरे पिता का चित्र है। विवेकानंद जी ने कहा, ये तो केवल मात्र एक चित्र है, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, कुछ नहीं है। उस राजा ने कहा, लेकिन इसमें मैं अपने पिता की छवि को देखता हूँ, इसके प्रति मेरा बहुत सम्मान है, मेरे हृदय की भावनाएं इस चित्र से जुड़ी हैं, मैं इसका अपमान कैसे कर सकता हूँ? विवेकानंद जी ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार आप एक साधारण से चित्र में अपने पिता को ढूंढते हैं, अपने पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार
मूर्ति और वो एक साधारण सा लगने वाला पत्थर, उसके अंदर हम साक्षात नारायण को देखते हैं, साक्षात अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। वो कोई साधारण नहीं, उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, हम अपने भाव सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन विवेकानंद जी यहां नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एक राजा के समक्ष एक बड़ी सुंदर बात कही और कहा, लेकिन महात्मन मैं मानता हूं कि भगवान की मूरत के समक्ष जाकर प्रार्थना करना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, लेकिन भगवान की मूरत वो दिव्य मंदिर हमें किसकी ओर संकेत कर रहा है, हमें वो भी समझना चाहिए। अगर एक बच्चा जो बचपन में ए बी सी डी पढ़ना सीखता है और बड़ा होकर भी उस ए बी सी डी को पढ़ता रहे, तो बताओ आप उसे क्या कहोगे? आप कहोगे उसका बौद्धिक विकास रुक गया है। इसी प्रकार यदि हम सारी जिंदगी, सारी उम्र हम नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर ही माथा टेकते रहे और इस देह रूपी मंदिर में नहीं उतरे, तो समझ जाइएगा आपका आध्यात्मिक विकास अभी तक रुका हुआ है, आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। अगर आप सही मायने में अध्यात्म को पाना चाहते हो, अगर आप सही मायने में धार्मिक बनना चाहते हो, तो उस मंदिर से जाकर सीख लो जो एक प्रतीक है। जब आप मंदिर जाते हो, मंदिर में जाकर आप घर से कहते हो मैं भगवान को देखने जा रहा हूँ, यही कहते हो, और झटपट मंदिर में जाकर भगवान की मूरत के सामने खड़े होते हो और आंखें बंद कर लेते हो, क्यों? मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जिस भगवान को देखने के लिए आप मंदिर गए, उसे देखते भी नहीं हो और जाकर आंखें बंद कर लेते हो, क्यों? क्योंकि ये प्रतीक है कि उस भगवान को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसे देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए जिससे उसका दर्शन होता है। वो इस बाहर के मंदिर में नहीं, वो इस मंदिर में विराजमान है जहां उसका दर्शन होता है, ये प्रतीक है। इसलिए सज्जनों, इन प्रतीकों से शिक्षा धारण करो और प्रार्थना करो प्रभु के चरणों में, जैसी प्रार्थना एक भक्त ने की, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहो ना देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। कि प्रभु जन्म बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, हर मंदिर में जाकर आपकी मूरत देख रहा हूं, लेकिन आपकी वो सच्ची सूरत कौन सी है, वो आपका स्वरूप कौन सा है जिसे मैं पाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता हूँ? हे प्रभु मुझे उसका दर्शन करवाओ, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। प्रभु आइए ऐसी ही प्रार्थना अपने नारायण के चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमें दर्शन दीजिए और हमारे जीवन को कृतार्थ कीजिए, हमारे जीवन को कृतार्थ कीजिए। श्याम नाथ मोरी अखियां।
पावन पुनीत परंपरा का निर्वाह करते चलते हैं। सनातन धर्म की पावन पुनीत परंपरा है दीप प्रज्वलन की। मैं आग्रह करता हूं कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य यजमान और आए हुए अतिथिगण उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन के लिए उनको आगे की ओर आग्रह करते आने के लिए। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्रीमती राशेश्वरी पाणिग्रही जी, जो कि एमएलए संबलपुर से, उनका हार्दिक अभिनंदन है। कृपया आप मंच के निकट आएं। श्री सुरेश पुजारी जी, जो कि प्रेसिडेंट है वर्किंग कमेटी बीजेपी के, आपका भी अभिनंदन है। कृपया मंच के निकट आएं। श्री दिनेश सिंघानिया जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बालाजी ग्रीन से, आपका बड़ा सहयोग है इस कार्यक्रम के लिए, आपसे भी आग्रह कि कृपया मंच के निकट आएं। श्री अशोक जालान जी, स्टेट प्रेसिडेंट हैं मारवाड़ी सम्मेलन के, आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। और श्री वाल्मीकि दास जी, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं जीएम कॉलेज से, आपका अभिनंदन है। कृपया मंच के निकट आएं। कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री श्यामलाल अग्रवाल जी संबलपुर से, श्री सरोज आचार्य जी संबलपुर से, श्री मनोज टिबरीवाल जी संबलपुर से हैं, श्री आशा चंद जैन जी, आप भी संबलपुर से, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी संबलपुर से, और तुली ब्रदर्स बुरला से, भीमसेन बंसल जी राउरकेला से, श्री नरेश अग्रवाल जी करोडला से, और श्री बाबूलाल सोनी जी संबलपुर से, श्री अशोक अग्रवाल जी राउरकेला से, श्री सज्जन भलोटिया जी संबलपुर से, आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। आदरणीय कथा व्यास जी से मैं आग्रह करता हूं कि आगे का प्रसंग आरंभ करें। धन्यवाद। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। सदैव मंदिर भी गए, प्रभु की उस मूरत का भी दर्शन किया, लेकिन आज तक हम प्रभु के उस दिव्य स्वरूप से जुड़ नहीं पाए। आज तक अपने हृदय रूपी पात्र को प्रभु के दर्शनों से भर नहीं पाए। आज तक अपनी अंतर आत्मा को तृप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर मंदिर बने, ये मंदिर प्रतीक थे कि ऐसा ही मंदिर तेरे अंदर है। देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिं दं सिद्धि दं सर्वदेहिनां, कि तेरी देह ही शिवालय है, यहां ही साक्षात प्रभु विराजमान है। वहीं पर तू अपने प्रभु का दर्शन करेगा और अपनी अतृप्त आत्मा को तृप्त करेगा। लेकिन सज्जनों, माना ये देह मंदिर है, इसमें भगवान विराजते हैं, लेकिन इस देह के भीतर उतरा कैसे जाए, उस नारायण का दर्शन कैसे हो। एक बार एक डॉक्टर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास आए और उन्होंने गुरुदेव से कहा, मैंने आपके मंच से सुना है कि भगवान इस देह में विराजमान है, वो इसी देह में रहता है, इसी मन के अंदर रहता है। मैं एक सर्जन हूं और मैंने मानव देह के छोटे छोटे टुकड़े करके देखे हुए हैं। मैंने उसके एक एक अंग को काटा हुआ है, उसका चीर फाड़ किया हुआ है, लेकिन मुझे कभी कोई भगवान नहीं दिखा। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य को बुलाया
और उनसे कहा, जाइए एक माचिस की डिब्बी लेकर आइए। शिष्य गया और माचिस की डिब्बी लेकर आया। गुरुदेव ने उसमें से एक तीली को निकाला और सामने बैठे डॉक्टर की ओर दिखाते हुए कहा, क्या इस तीली में आग है? उस डॉक्टर ने कहा, है, अवश्य है। गुरुदेव ने उनके समक्ष उस तीली के छोटे छोटे टुकड़े किए। गुरुदेव ने कहा, कहाँ है आग? आग तो दिखाई नहीं दी। उस डॉक्टर ने कहा, ऐसे नहीं, आग इसके भीतर है, लेकिन ये प्रकट तब होती है जब हम इसे उस मसाले से रगड़ते हैं, तब ये हमारे सामने प्रकट हो जाती है। श्री महाराज जी ने कहा, इसी प्रकार वो भगवान इस मानव के भीतर है, सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ है। उसे प्रकट करने के लिए आपको एक टेक्निक चाहिए, आपको एक विधि चाहिए। सामने बैठे डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, उसे पाने की विधि कौन सी है, उसे पाने की टेक्निक कौन सी? गुरुदेव ने कहा, क्योंकि वो परमात्मा सूक्ष्म रूप में मानव के हृदय में विराजमान है, इसलिए उसे देखने के लिए एक सूक्ष्म यंत्र चाहिए, और वो कोई और नहीं, वह है दिव्य दृष्टि। जिस दिव्य दृष्टि के खुलते ही, जिस तृतीय नेत्र के खुलते ही हमें भगवान का दर्शन होता है, कहीं बाहर नहीं, हमारे ही घट के अंदर। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप बाहर के मंदिर में जाओ और मंदिर का दरवाजा बंद हो तो आप पंडित जी से क्या कहते हो? पंडित जी, द्वार खोलिए, हमें प्रभु का दर्शन करना है। इसी तरह हमारे नारायण, हमारे सच्चिदानंद आनंद कंद प्रभु कहीं और नहीं, इस स्थान पर विराजमान है, और इस द्वार को बंद कर दिया गया, इस पर ताला लगा दिया गया और चाबी सौंप दी गई गुरु को। अब हमें सदगुरु की शरण में जाना होगा और उनके समक्ष जाकर प्रार्थना करनी होगी। जब हम सदगुरु के पास जाएंगे, वो अपना कृपा रूपी हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे और तुरंत हमारी दिव्य दृष्टि खोलकर हमें नारायण का दर्शन करवा देंगे। इस देह रूपी मंदिर के भीतर हमें साक्षात नारायण का दर्शन होगा, लेकिन सदगुरु की कृपा से। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों ने कहा, दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर। जीता जागता भगवान का मंदिर है ये देह, ये शरीर, लेकिन इस देह में प्रवेश करने के लिए, इस मंदिर में नारायण का दर्शन करने के लिए हमें जगतगुरु जैसे सदगुरु के पास जाना होगा, सदगुरु के चरणों में जाकर उनसे प्रश्न करना होगा और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना होगा, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना होगा। यही आज्ञा हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से दे रहे हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जाकर पढ़िए, भगवान कृष्ण ने कितना स्पष्ट कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि जाओ ब्रह्मनिष्ठ संतों और महापुरुषों के चरणों में जाकर बैठो और उनके श्री चरणों में जाकर प्रश्न करो और उनसे भगवान की मांग करो। यदि वे तत्व ज्ञानी संत हैं तो उसी क्षण तुम्हारे मस्तक पर हाथ रखेंगे, दिव्य दृष्टि खोलेंगे, इस द्वार को खोलेंगे, तुम्हें इस अंतर रूपी मंदिर में ले जाएंगे और दर्शन करवा देंगे। कृष्ण अनुरागियों, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को धारण करने का समय आया है, प्रभु की दिव्य लीलाओं से उन प्रेरणाओं को ग्रहण करने का समय आया है, उन प्रतीकों से सीखने का समय आया है और उनसे सीख कर आगे बढ़ने का समय आया है। जानते हो प्रतीक कैसे हैं? जैसे माइलस्टोन। आप उड़ीसा से, मान लीजिए आप उड़ीसा से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बाय ट्रेन नहीं, बाय रोड जा रहे हैं, क्या होगा? रास्ते में बहुत से माइलस्टोन आएंगे, उस पर लिखा होगा दिल्ली इतने किलोमीटर्स। अब कोई व्यक्ति गाड़ी से उतरे और जाकर माइलस्टोन पर बैठ जाए और जोर जोर से कहे, मैं दिल्ली आ गया, मैं दिल्ली आ गया, तो क्या ये सही है? क्या दिल्ली आ गया? क्या वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया? नहीं, उसे क्या करना होगा? वो माइलस्टोन उसे बता रहा है कि जिस दिशा में वो जा रहा है वो दिशा ठीक है, लेकिन
जितने किलोमीटर्स उस माइलस्टोन पर लिखे हैं उतना उसे ट्रैवल करना होगा, उतना उसे चलना होगा। इसी प्रकार ये जो बाहर मंदिर में प्रतीक बनाए गए, जिन्हें हमारी परंपराओं का रूप दिया गया, इन परंपराओं से, इन प्रतीकों से सीखते हुए उस दिशा की ओर बढ़ना होगा और अपनी मंजिल को प्राप्त करना होगा, अपने लक्ष्य को पाना होगा। और वो मंजिल, वो लक्ष्य कुछ और नहीं, वो है इस मन मंदिर में उतरना और यहाँ बैठे उस नारायण का दर्शन करना और अपने जीवन की उस तृप्ति को पाना, जीवन के उस कल्याण को पाना। यही प्रभु के प्रतीक हमें समझाना चाहते हैं। आज वज्रनाभ ने यही किया। प्रतीक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के कितने ही दिव्य मंदिर बना दिए हैं, ताकि जब मानव इस मंदिर में आए तो उसके हृदय में इन मंदिरों को देखते ही प्रश्न उठे और उन प्रश्नों का समाधान पाते हुए वो वास्तविक लीला को समझ जाए, वो अपने अंतर घट में उतर जाए। वज्रनाभ ने प्रतीक स्वरूप में मंदिरों की स्थापना तो कर दी, लेकिन अब उसे प्रतीक्षा है कि कब मेरे भीतर कृष्ण का दर्शन होगा और कब मैं प्रभु की वास्तविक लीला का दर्शन अपने अंतर घट में कर पाऊंगा। वो समय भी आ पहुंचा। एक दिन की बात है, 16,100 राजकुमारियां जिनका भगवान कृष्ण ने पाणि ग्रहण किया, जिन्हें भौमासुर की कैद से मुक्त करवाया और समाज में अच्छा स्थान दिया, वह सभी राजकुमारियां भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नियां बन गई। जैसे ही आज सभी की सभी राजकुमारियां अपने कक्ष में बैठी हैं, सभी के सभी भगवान कृष्ण को स्मरण कर रही हैं, विरहा की अग्नि में जल रही है, उनका हृदय व्यथित हो चुका है, भगवान को याद करते करते उनकी आंखों से अश्रु बहते चले जा रहे हैं। तभी एक राजकुमारी ने भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, जिनका नाम था कालिंदी, जब उसकी ओर देखा तो सभी बड़ी हैरान हो गई कि हम तो भगवान को याद कर, अपने स्वामी को याद कर यूं आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कालिंदी की ओर देखो, उसकी आंखों में अश्रु नहीं, उसके चेहरे पर तो आनंद दिखाई देता है। 16,100 राजकुमारियां पहुंच गई कालिंदी के पास और जाकर कालिंदी के आगे हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण ने आपका पाणि ग्रहण किया, हमारा पाणि ग्रहण किया, वे आपके भी स्वामी थे और हमारे भी स्वामी थे, लेकिन जब से भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया है, हम तो नित्य प्रति अपने भगवान को याद करती हैं, उनकी याद में डूबी रहती हैं और इन आंखों से आंसू बहाती रहती हैं, हमारा हृदय बहुत व्यथित है, हम शोकाकुल हैं, इस दुख से हम कैसे उबर पाएंगे, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन हम आपको देखती हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, आप भी तो कृष्ण की पत्नी हैं, आप भी तो कृष्ण की ही अर्धांगिनी हैं, क्या आपको प्रभु की विरह व्यथा जलाती नहीं, क्या आपको कृष्ण की याद नहीं आती। जो ही कालिंदी ने सुना, कहने लगी, हे देवियों, भगवान श्री कृष्ण की याद तो उसे आए जो भगवान श्री कृष्ण से दूर हुआ हो, मेरे प्रभु, मेरे श्री हरि सदैव मेरे पास है, मैं नित्य प्रति उनका दर्शन करती हूँ। सभी ने सुना, कहने लगी, आप उनका दर्शन करती हैं कैसे। कालिंदी जी ने कहा, क्योंकि मुझे प्रभु से वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस ज्ञान के द्वारा मैं अपने अंतर घट में निरंतर उनको देख सकती हूँ, उनका साथ मुझे हर पल मिलता है, मैं उनसे बातें करती हूँ। जब सभी राजकुमारियों ने सुना, कहने लगी, हे कालिंदी, हे देवी, हमें भी बताइए कि हम कैसे अपने प्रभु को अपने अंतर घट में देख पाए, हमें भी कोई मार्ग दिखाइए। उस समय कालिंदी जी ने कहा, यदि आपको उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो आपको भी अपने प्रियतम से जो वियोग हुआ है ये शांत हो जाएगा, आप भी अपने अंतर घट में प्रभु का दर्शन करेंगे और नित्य प्रति उनके संग बातें करेंगे। जैसे ही सुना, वहां पर वज्रनाभ भी आ गए। वज्रनाभ ने भी प्रश्न किया और अन्य रानियों ने भी प्रश्न किया कि ये उद्धव जी कहां मिलेंगे। कालिंदी ने कहा, गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर है,
आप सभी वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करो। मुझे विश्वास है जिस समय आप श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे उस कीर्तन को सुनते ही आकर्षित होकर उद्धव जी को वहां आना ही पड़ेगा और वे आप सबके समक्ष प्रकट हो जाएंगे और इस प्रकार आपको उद्धव जी के द्वारा उनका सत्संग मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। यह सुना कि वज्रनाभ के संग 16,100 राजकुमारियां गोवर्धन पर्वत के निकट कुसुम सरोवर के पास पहुंच गए। सभी ने जाकर अपने हाथ जोड़ लिए, अपने नेत्रों को मूंद लिया और भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में संलग्न हो गए और आज वे सभी मुक्त कंठ से भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाने लगे, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे और बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रभु की महिमा रख रहे हैं, प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, Krishna, Hare Krishna.
विवश कर दिया, श्यामल वर्ष पीत रंग के वस्त्र पहने, गले में गुंजा की माला पहने उद्धव जी वहां प्रकट हो गए और वे भी मुक्त कंठ से अपने प्रभु के कीर्तन में संलग्न हो गए और बारंबार अपने कृष्ण की महिमा गाने लगे। घन श्याम बंसी अधर है नट नागर गिरधारी, घन श्याम बंसी अधर है नट नागर गिरधारी, घन श्याम बंसी अधर है नट नागर गिरधारी, घन श्याम बंसी अधर है नट नागर गिरधारी। प्रकट हुए सभी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और तदुपरांत उद्धव जी के चरणों में अपने मन में उठ रहे प्रश्न को रख दिया। उद्धव जी ने उनकी जिज्ञासा का निवारण करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश को प्राप्त किए बिना आप इस माया के आवरण को कभी हटा नहीं सकते। जब तक प्रभु का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, जब तक प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप अपने जीवन के कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। आप इस विरह व्यथा से, आप इस शोक से, आप इस दुख से उबर सकते हैं, लेकिन एक ही उपाय है कि आप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करो। यह सुनना था कि 16,100 राजकुमारियों ने हाथ जोड़कर उद्धव जी से कहा, उद्धव जी हम अपने प्रभु को अपने अंतर्घट में पाना चाहती है, हमें उनका दर्शन करवाइए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु के दर्शन से पूर्व आपको प्रभु की कथा सुननी होगी। मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा और जिस कथा को सुनकर आपका हृदय रूपी पात्र प्रभु के दर्शनों के लिए तैयार हो जाएगा। राजा परीक्षित भी वहां आए और जैसे ही उद्धव जी के मुख से झरते ये शब्द सुने, बड़े प्रसन्न हो गए कि प्रभु की कथा सुनूंगा, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने का अवसर मिला है, आनंद से झूम उठे। लेकिन तभी
उद्धव जी ने परीक्षित जी की ओर देखा और राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, हम एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, लेकिन इस कार्य में हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, बताओ क्या हमारी सहायता करोगे? जैसे ही परीक्षित ने सुना, कहने लगा, हे हरिदास उद्धव जी, आप आज्ञा तो कीजिए, यह परीक्षित आपकी क्या सहायता कर सकता है, आप कहिए, आदेश दीजिए। उद्धव जी ने कहा, परीक्षित, जिस क्षण से भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया है, तब से कलिकाल बड़ा प्रबल हो गया है और कलियुग इस धरा के ऊपर अधर्म फैलाने के लिए सज्ज हो उठा है, इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि जाओ, जाकर कलियुग पर विजय को प्राप्त करो, कलयुग को अपने वश में कर लो, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही हम इस महान यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, कलयुग अवश्य आकर इसमें विघ्न उपस्थित करेगा। जैसे ही सुना, परीक्षित तैयार हो गए, तत्पर हो उठे इस कार्य को पूर्ण करने हेतु, लेकिन तभी उनके मन में विचार आया कि फिर मैं भागवत कैसे सुनूंगा, मैं प्रभु की कथा कब सुनूंगा, और उसने अपनी इस व्यथा को उद्धव जी के चरणों में रख दिया। कहने लगा, आप सब पर कृपा कर रहे हैं, आप सब पर अनुग्रह कर रहे हैं, फिर मुझे ही वंचित क्यों रख रहे हैं? उस समय उद्धव जी ने कहा, परीक्षित, तुम प्रभु की कथा से वंचित नहीं रहोगे, तुम तो भागवत के सबसे प्रथम अधिकारी हो, तुम तो माध्यम बनोगे और तुम्हारे ही माध्यम से समाज का हर एक प्राणी प्रभु की कथा को सुनेगा। परीक्षित ने सुना, माध्यम, निमित्त और मैं, लेकिन कब? उद्धव जी ने कहा, उसका भी समय आएगा, लेकिन अभी तुम दिग्विजय के लिए जाओ परीक्षित। परीक्षित ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उद्धव जी की परिक्रमा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए निकल गया। और उधर उद्धव जी ने एक माह तक सभी को, उन सभी श्रोताओं को भगवान की कथा सुनाई और भगवान से जोड़कर उन्हें मुक्त कर दिया। सोचिए, वेदव्यास जी, जिन्होंने द्वादश स्कंद के पश्चात एक और महात्म्य लिखा और उसमें ये सारी कथा लिखी, वेदव्यास जी जिन्होंने इस कथा की रचना की, कोई साधारण तो नहीं थे। और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने लीलाएं की, वो तो साक्षात नारायण थे। उनकी लीलाओं को लिखने के लिए वेदव्यास जी ने बड़े सुंदर सुंदर सूत्र लिए हैं, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में उन्होंने प्रभु की कथा को पिरोया और छुपा भी दिया। आप खुद देखिए, वेदव्यास जी ने कितना सुंदर सूत्र इस कथा में छिपाया है। उद्धव जी को पुकारा गया, उद्धव जी प्रकट हुए और 16,100 राजकुमारियां और वज्रनाभ, उन्होंने उनके चरणों में बैठकर उस कथा को सुना। सज्जनों, प्रभु की कथा को सुनने के लिए उन्होंने उद्धव जी का आवाहन किया, क्यों? आज हम सभी इस भागवत महापुराण को संतों महापुरुषों के द्वारा हमेशा सुनते आए हैं और ये सौभाग्य है कि आज हम गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से सुन रहे हैं, क्योंकि यही इस सृष्टि का नियम भी है कि जब भी किसी जिज्ञासु ने अपने हृदय रूपी पात्र को प्रभु की कथामृत से भरा, तो सदैव संतों और महापुरुषों के चरणों में बैठकर भरा। संत महापुरुष ही है जो हमें उन कथाओं का सार समझाते हैं, जो उन कथाओं में लिखे गए शब्दों के जो भाव हैं, उन्हें हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। अन्यथा यदि समाज का मानव, एक साधारण इंसान, अगर इन शास्त्र ग्रंथों को पढ़े, अगर इनको, इनके भीतर छिपे हुए संदेश को ग्रहण करने का प्रयास करे, तो सज्जनों वो भूल कर जाता है, क्योंकि ये शास्त्र ग्रंथ महापुरुषों के द्वारा ध्यान की अवस्था में लिखे गए हैं, इसे आप साधारण बुद्धि से समझ नहीं पाओगे। इसे समझने के लिए हमें संतों महापुरुषों के चरणों में जाकर बैठना ही होगा। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय के ऊपर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं और गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाई एक गांव की। एक गांव में एक चौपाल थी, जिस चौपाल पर आज चार मित्र आकर बैठे। चार मित्र में कौन कौन थे? एक थे दुकानदार,
एक थे पंडित जी और एक थे हमारे फकीर साहब। ये सभी के सभी मित्र आकर चौपाल पर बैठे और चौपाल पर जो वृक्ष लगा था उस पर एक तीतर आकर बैठ गया। तीतर आया, उसके मुख से एक स्वर निकल रहे हैं। उस स्वर को सुना तो जो चारों मित्र हैं बड़े ध्यान से स्वर को सुनकर एक मित्र बोला, पंडित जी बोले, अरे वाह कितना अच्छा तीतर है, कैसे बोल रहा है सीताराम दशरथ सीताराम दशरथ। पास में बैठा दुकानदार मित्र कहने लगा, नहीं नहीं सीताराम दशरथ नहीं कहता, ये कहता है नून तेल अदरक। जैसे ही ये सुना तीसरा मित्र पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, ये नहीं कहता, ये कहता है दंड बैठक कसरत दंड बैठक कसरत। अब क्या हुआ, दंड बैठक कसरत भी नहीं हुआ, नून तेल अदरक भी नहीं हुआ और सीताराम दशरथ भी नहीं हुआ। फकीर साहब बोले, कहने लगे, नहीं नहीं ये कहता है सुभान तेरी कुदरत सुभान तेरी कुदरत। चारों मित्र बुद्धि अलग समझ अलग, तो उन्होंने भावार्थ भी क्या निकाला, अलग अलग। इसी प्रकार जब ये क्रम शास्त्र ग्रंथों के अनुसार घटता है, शास्त्र ग्रंथों के लिए घटता है, तब हम शास्त्र ग्रंथों के जो शब्द हैं उसका अनर्थ कर देते हैं। एक बार एक सज्जन गुरुदेव के पास आए और आकर बड़े ही अपनी शेखी बगाड़ते हुए बोले, हमारी जो संस्था है उसमें हमने रामचरितमानस की एक एक चौपाई के 100-100 अर्थ निकाले हैं। गुरुदेव ने कहा, आपने अर्थ नहीं निकाले, आपने तो अनर्थ करके रख दिया। वो जो विद्वान बैठे थे वो बड़े आवेश में आ गए, कहने लगे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की इतना प्रयास किया इतना पठन पाठन किया। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन शब्दों की रचना की होगी, उन चौपाइयों को लिखा होगा, तो उसे लिखते समय उनके पीछे उनका एक ही अर्थ होगा, लेकिन आपने अपनी बुद्धि के द्वारा एक एक चौपाई के 100-100 अर्थ किए, आपने तो मानव को भ्रमित कर दिया। वो चौपाइयां वो तो मानव जाति के लिए मार्गदर्शन था ताकि मानव उसे पढ़कर सीख सके, लेकिन जो अर्थ आपने निकाले ये तो मानव समाज को भ्रमित कर देगा, उसे भटका देगा और वो समझ ही नहीं पाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्या समझाना चाहते थे। इसलिए सज्जनों आदि गुरु शंकराचार्य जी को लिखना पड़ा, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये जो शब्दों का जाल है, ये जो शब्द है जिन्हें शास्त्र ग्रंथों में रचा गया लिखा गया, ये एक अरण्य है, ये एक वन है। जिस वन की जानकारी हमें ना हो, आप उस वन में जरा प्रवेश करो, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, आप भटक जाओगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, शब्द जालम महारण्यम, ये तो शब्द जाल है और एक बड़ा ही अरण्य है, बहुत बड़ा वन है। चित्त भ्रमण कारणम, जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, जब आप इन शास्त्र ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, तो आपका चित्त भ्रमित हो जाता है, आप भटक जाते हैं, आपका मार्गदर्शन नहीं होता, आप और भ्रमित हो जाते हैं। तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी से पूछा, फिर इन शब्दों के जाल से बाहर कैसे निकले, इस महाअरण्य से हमें बाहर कौन निकालेगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, अतः प्रज्ञाज ज्ञातव्यं तत्व ज्ञातत्व मात्मनः, के इस अरण्य से बाहर निकलने के लिए महात्माओं और संतों महापुरुषों के चरणों में जाओ, क्योंकि वे स्वयं उस ध्यान की अवस्था में होते हैं और वो शास्त्र ग्रंथों के उन शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट कर सकते हैं। यही कारण है, आप इतिहास उठाकर देखिए, जिस भी भक्त ने शास्त्र ग्रंथों के सार को ग्रहण किया उसने केवल मात्र संतों महापुरुषों के चरणों में बैठकर किया। स्वामी दयानंद सरस्वती नाम सुना है, पहले का नाम था मूल शंकर, बड़े सारे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन उन सबको पढ़ लेने के बाद भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ, उन सारे ग्रंथों को
उन सभी शास्त्रों को एक बड़ी सी पोटली बनाई, शीश पर उठाया और चल दिए कहां? स्वामी विरजानंद जी के द्वार पर। द्वार पर जाकर दस्तक दी, भीतर से आवाज आई, कौन है? मूल शंकर, जो इतने शास्त्र ग्रंथों को पढ़ चुके थे लेकिन अपने जीवन की गुत्थी को सुलझा नहीं पाए, उन्होंने कहा, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे ये जीवन क्यों मिला, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये शास्त्र ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझाइए। विरजानंद जी ने द्वार खुला, नेत्रहीन है लेकिन छू कर उन्हें पता चल गया कि मूल शंकर अपने शीश के ऊपर कुछ उठा कर लाया है। कहने लगे, मूल शंकर शीश पर क्या उठाया है? मूल शंकर ने कहा, मैं अपने जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं उन्हें उठा कर लाया हूं। मूल शंकर जी ने कहा, इसे एक तरफ रख दे, अब इन कथाओं के भीतर जो सार छिपा है वो तेरे भीतर प्रकट कर दूंगा, इन शब्दों के पीछे जो मार्गदर्शन छिपा है आज वो तुझे मार्गदर्शन प्रदान कर दूंगा, आ मेरे चरणों में बैठ मूल शंकर। मूल शंकर बैठ गए और विरजानंद जी ने वो तत्व ज्ञान उन्हें दिया और कथा का सार उनके भीतर उतार दिया। सज्जनों, यही हमें करना होगा, संतों महापुरुषों के चरणों में बैठकर ही हम इस पावन पुनीत ग्रंथ को, इन शास्त्रों को जो हमारे लिए एक अनमोल संपदा है, इसे समझ पाएंगे और तदोपरांत अपने जीवन में उतार पाएंगे। यही कारण है कि आज उन सब ने उद्धव जी को आवाहन दिया और उद्धव जी प्रकट हुए और उन्होंने गुरु की भूमिका अदा की और उन सबको भागवत की चर्चा सुनाई और मुक्त कर दिया। इधर उद्धव जी के द्वारा कथा सुनाई जा रही है और दूसरी ओर परीक्षित, जो काल को, कलयुग को दिग्विजय करने के लिए निकला है और जैसे ही कलयुग को दिग्विजय करने के लिए निकला, अपने प्रांत में भ्रमण कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर ओर वो दिग्विजय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तभी अचानक एक दिन उसने एक स्थान पर बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा और वो दृश्य क्या था? एक गाय और एक बैल, जिसका एक पांव था, उसे एक राजवेशधारी इस प्रकार पीटता ले जा रहा था मानो उसका कोई स्वामी ना हो। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा कि इतना बलवान है और मेरे राज्य के इन निर्बल प्राणियों पर इस प्रकार अत्याचार कर रहा है, राजा परीक्षित आवेश में आ गए, धनुष पर बाण चढ़ा लिया और उसे ललकारते हुए बोले, ठहरो, तुम कौन हो? तुम वेश तो तुमने राजाओं जैसा बनाया है लेकिन कर्म से तुम शूद्र जान पड़ते हो, मेरे राज्य के निर्बल प्राणियों पर अत्याचार करने वाले तुम कौन हो? जैसे ही उस राजवेशधारी ने राजा परीक्षित का यह शब्द सुने, दौड़ता हुआ आया और राजा परीक्षित के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। राजा परीक्षित ने देखा, कहने लगे, कौन हो तुम, अपना परिचय दो हमें। उसने कहा, मैं कलयुग हूँ और काल की आज्ञा से इस धरा पर आया हूँ, मेरे आने का समय हो गया है राजन। परीक्षित ने सुना कलयुग, कहने लगा, कलयुग मेरे होते हुए तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, जाओ मेरे राज्य की सीमाओं को लांघ कर बाहर चले जाओ। कलयुग ने सुना, कहने लगा, महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी मूर्ता से भरी बातें कर रहे हैं, मैं कलयुग हूँ और मेरे आने का समय हो चुका है, मुझे कोई सीमा कोई मर्यादा मुझे बांध नहीं सकती, यहाँ तक कि आपकी बाणों की शक्ति भी मुझे अब रोक नहीं सकती, मेरे आने का समय निश्चित हो चुका है और मुझे आने से अब कोई रोक नहीं सकता। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं जीवित हूँ तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग ने कहा, महाराज थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, कोई ऐसा उपाय ढूंढिए कि आपका जो मनोरथ है ये भी सिद्ध हो जाए और मैं जो यहाँ इस धरा पर आया हूँ मुझे भी रहने को स्थान मिल जाए। राजा परीक्षित के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने कलयुग से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 स्थान देता हूँ, जहाँ परस्त्री गमन हो, जहाँ मद्यपान हो, जहाँ हिंसा हो, जहाँ द्युत क्रीड़ा हो और जहाँ नीति पूर्ण ढंग से स्वर्ण अर्जित किया जाए, जाओ वहाँ जाकर निवास करो। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए और एक दिन
स्वयं अपने राजभवन में जब पहुंचे, स्वर्ण कोष को खोला, पेटिका में से एक बड़ा ही सुंदर मुकुट निकला और उस मुकुट को देखते ही राजा परीक्षित ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि ये मुकुट किसका है। वास्तविकता में वो मुकुट जरासंध का था। जिस समय भीम ने जरासंध को पराजित किया, उसे जरासंध का मुकुट बहुत पसंद था, उठाकर अपने राजभवन ले आया। धर्मराज युधिष्ठिर ने समझाया कि भीम, ये मुकुट जरासंध का है, तुम उसके पुत्र को लौटा दो। लेकिन भीम ने इसे लौटाया नहीं, पेटिका में बंद करके रख दिया। अनीति पूर्ण ढंग से लाया गया यह स्वर्ण जैसे ही आज राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर धारण किया, कलयुग ने उसकी बुद्धि को मलिन कर दिया। और भागवत कहती है कि उस दिन पहली बार राजा परीक्षित आखेट के लिए निकला। ना जाने कितने ही जीव जंतुओं की उसने हत्या की। और मध्याह्न काल में जब भूख और प्यास से व्याकुल हुआ, देखा सामने एक ऋषि की कुटिया है। भीतर प्रवेश किया, शमिक ऋषि बैठकर ध्यान कर रहे हैं। वो राजा परीक्षित जिसने सदैव संतों महापुरुषों की पूजा की, लेकिन आज क्योंकि कलयुग ने बुद्धि को मलिन कर दिया था, जैसे ही संतों को ध्यान में बैठे हुए देखा, उसके भीतर का बैठा हुआ जो कलयुग था वो अट्टहास कर उठा। कहने लगा, अरे देखो तो सही, कैसा ढोंगी है, कैसा पाखंडी है। इस संपूर्ण राज्य का एकाधिपति इसके द्वार पर आया है। ये नहीं कि उठकर उनका स्वागत करे, उनका अभिवादन करे, बल्कि आंखें मूंद कर ढोंग कर रहा है, स्वांग रच रहा है। अभी इसे मजा चकाता हूँ। बाहर पड़ा एक मृतक सर्प अपने बाण की नोक से उठाया और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया और प्रस्थान कर गया। आश्रम में खेल रहे नन्हे बालकों ने जब इस दृश्य को देखा तो शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और जाकर सारी घटना कह सुनाई। श्रृंगी ऋषि ने जो सुना कि मेरे पिता का अपमान किया, स्नान करने नदी के तीरे पर ही खड़े थे, उसी क्षण अंजलि में जल भर लिया और आज राजा परीक्षित को श्राप देते हुए बोले, वह मोड़ बुद्धि राजा जिसने मेरे पिताश्री का अपमान किया है, मैं श्रृंगी ऋषि उसे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग की अग्नि में जलकर उसका प्राणांत हो जाएगा और ये श्राप टाले नहीं टलेगा। और इतना कहते ही अंजलि से तर्पण कर दिया। यह श्राप जैसे ही राजा परीक्षित को सुनाई दिया, अपने राजभवन पहुंच चुके हैं, जाकर राज मुकुट को उतार दिया है। जिस कलयुग ने बुद्धि को मलिन किया, वो कलयुग अब बुद्धि से अलग हो गया। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि का श्राप कर्ण गोचर हुआ, राजा परीक्षित पश्चाताप में डूब गए कि ये मेरे हाथों से कैसा अपमान हो गया। मैं राजा हूं, जो प्रजा अगर गलती करे तो राजा दंड देता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं राजा ने अपराध किया है, अब मुझे दंड कौन देगा। तभी राजा परीक्षित की अंतर आत्मा से एक स्वर फूटा। कहने लगे, परीक्षित, दंड तो तुम्हें स्वयं को देना ही होगा, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा परीक्षित ने स्वयं को दंड दिया, अन्न जल सब का त्याग किया, राजपाट का त्याग कर दिया और पहुंच गए गंगा नदी के तीरे। जाकर संतों महापुरुषों के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे पुकारते हुए कह रहे हैं कि मुझे कोई उपाय बताइए, मेरे हाथों से संतों का अपमान हुआ है, कोई तो उपाय होगा जिससे मैं इस कलंक को दूर कर सकूं। जब भी किसी भी संत ने, किसी भी ऋषि ने सुना तो सबके मुख से एक ही बात निकली, और वो बात क्या थी, अरे इसने तो ब्रह्म ऋषि का अपमान किया है, इसे तो ये दंड मिलना ही चाहिए। राजा परीक्षित जब सुनते हैं तो भीतर एक आशा का छोटा सा दिया जो जल रहा था वो बुझने लगा। वहीं गंगा नदी के तीरे घुटनों के बल बैठ गए और आंखें मूंद कर द्वारिकाधीश का स्मरण किया। कहने लगे, प्रभु आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मेरी मृत्यु को काट कर अश्वत्थामा के उस प्रयास को विफल कर आपने मुझे जीवन दिया। प्रभु मैं आपका आभारी हूँ, प्रभु आभारी हूँ। लेकिन देखिए ना प्रभु, जिस राजा परीक्षित ने सदैव धर्म का पालन किया, आज उसके हाथों कितना बड़ा अपमान हुआ है। मेरे पितामह
जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, मेरे पिताश्री जिन्होंने धर्म के लिए अपना त्याग कर दिया, अपने जीवन को धर्म क्षेत्र में होम कर दिया, उनका वंशज मैं परीक्षित, जिसने सदैव धर्म का पालन किया। हे द्वारिकाधीश, आज मेरे हाथों एक बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, जिन हाथों से मैंने सदैव संतों की सेवा की, आज उन हाथों से मैंने एक संत का अपमान कर दिया प्रभु, एक संत का अपमान कर दिया। मैं ये नहीं चाहता प्रभु कि आप मेरी इस मृत्यु को टाल दें, लेकिन प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए, मेरी मृत्यु पर जो ये कलंक लगा है संत के अपमान का, इसे दूर कीजिए प्रभु, इसे दूर कीजिए। मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, मेरे पास कोई राह नहीं है। मैं जानता हूँ प्रभु मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन प्रभु आपको तो भक्त वत्सल कहा जाता है, आपको तो करुणा का सागर कहा जाता है, आप तो सदैव सदैव सब पर कृपा करते आए हैं। हे द्वारिकाधीश, मुझ पर कृपा करो प्रभु, मुझ पर कृपा करो, अपने सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मेरे पास केवल 7 दिन की जिंदगी है, और अपने जीवन के हर एक श्वास को मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ प्रभु। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। और उस समय राजा परीक्षित के हृदय से एक करुण पुकार फूट रही है, और द्वारिकाधीश के चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके हृदय से कैसे भाव फूट रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। भगवन् क्षमा करो, भगवन् क्षमा करो। भगवन् क्षमा करो, भगवन् क्षमा करो। मुझ पापी पर, अपराधी पर, भटके हुए इस शरणार्थी पर, दीन दयाल दया करो, भगवन् क्षमा करो, भगवन् क्षमा करो, भगवन् क्षमा करो, भगवन् क्षमा। काल का ग्रास हुआ,
काल का ग्रास हुआ। प्रायश्चित करना है असंभव, निकट मृत्यु का भास हुआ। मेरे संचित कर्म जो दूषित कर दो पावन, विनय करो नित कृपा करो, अभिशाप हरो भगवन क्षमा करो, भगवन क्षमा करो, भगवन क्षमा करो, भगवन कृष्ण के चरणों में एक पुकार रखते हैं और प्रभु से क्षमा याचना करते हैं और आग्रह करते हैं कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज के अंतर मन में एक प्रेरणा देते हैं और उन्हें परीक्षित की ओर भेज देते हैं। सुखदेव जी महाराज
जाकर परीक्षित के समक्ष खड़े हो गए। परीक्षित उनके चरणों में जा बैठा और तब परीक्षित के हृदय के भीतर जो जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो जो जिज्ञासाएं जन्म ले रही हैं, सुखदेव जी महाराज हर एक प्रश्न का निवारण कर रहे हैं। कलयुग जिसके प्रभाव के कारण राजा परीक्षित का जीवन इस स्थान पर इस स्थिति में आकर खड़ा हो गया कि वह अपने जीवन के उन दुखों से उबरने के लिए सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठ गए। सोचकर देखिए, उस समय तो कलयुग का मात्र आरंभ था, लेकिन आज हम जहां रहते हैं ये कलयुग की पराकाष्ठा है। तो क्या इस कलयुग का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। कलयुग के भीतर क्या क्या हो रहा है और कलयुग में समाज की स्थिति क्या होगी, इसका दर्शन हमारे कृष्ण ने द्वापर युग में ही पांचों पांडवों को करवा दिया था। एक दिन शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के संग भ्रमण पर निकले। पांडवों ने कृष्ण के चरणों में एक प्रार्थना रखी कि प्रभु, कलयुग के भीतर क्या होगा, कलयुग के भीतर समाज की स्थिति कैसी होगी, हमें जरा बताइए। उस समय भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, आप सब पांच अलग अलग दिशाओं में जाइए और जो भी कोई आश्चर्य से भरा दृश्य देखे उसे देखकर वहां से वापस लौट आइए। पांचों पांडव कृष्ण की आज्ञा को प्राप्त किया और अलग अलग दिशा की ओर बढ़ गए। सबसे पहले वापस लौटे युधिष्ठिर, कहने लगे, द्वारिकाधीश जानते हैं मैंने क्या देखा? आज से पहले मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा जो आज देखा है। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या देखा? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैंने एक हाथी देखा जिसकी दो सूंड थी, मैं तो हैरान रह गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। तभी दौड़ता हुआ कौन आया? भीम आया। भीम ने कहा, द्वारिकाधीश जो दृश्य मैं देख कर आया हूँ ये सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने देखा एक पहाड़ी है और उस पर से बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से तृण के आगे आकर रुक गए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, ये हो कैसे सकता है? अभी भीम ने अपने द्वारा देखे गए दृश्य को रखा, तभी अर्जुन दौड़ा हुआ आया, कहने लगा, वासुदेव जिस दृश्य को मैंने देखा है ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है। मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और चाटते चाटते उसके देह पर जो मांस है उसे भी चाट गई, उसे भी खा गई, और अब जो रक्त बह रहा है उसे भी चाटती चली जा रही है, ये कैसा दृश्य है? उसी क्षण वहां आए नकुल। नकुल ने कहा, द्वारिकाधीश मैं तो बड़ा विचित्र दृश्य देख कर आया हूं और मेरी बुद्धि तो उसे देखकर प्रश्नों से युक्त हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। द्वारिकाधीश ने कहा, नकुल तुमने क्या देखा? नकुल ने कहा, प्रभु मैंने पांच कुएं देखे, एक कुआं बीच में और उसके आसपास चार कुएं। वो चारों कुएं पानी से लबालब भरे हैं, लेकिन जो बीच वाला कुआं है वो खाली पड़ा है। जबकि जल का स्रोत सभी और एक जैसा होता है तो फिर बीच वाला कुआं खाली क्यों? तभी सहदेव आए और सहदेव ने आकर जिस विचित्र दृश्य को देखा उसको बताते हुए बोले, द्वारिकाधीश मैंने देखा आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है, उसके पंखों से वेदों की ध्वनि हो रही है, लेकिन उसने मुख में मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, ये तो बड़ा विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पांचों पांडव खड़े हैं, अलग अलग दिशा से आए हैं और विचित्र विचित्र दृश्यों को देख कर आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों जो तुमने दृश्य देखा ये कलयुग के पांच प्रमाण हैं। धर्मराज युधिष्ठिर आपने जो देखा, एक हाथी जिसके दो सूंड हैं, ये एक राजा का प्रतीक है जिसकी एक नहीं एक कथनी और दूसरी करनी होगी, दोनों अलग अलग होंगे। जो कहेगा वो करेगा नहीं और जो करेगा वो कभी कहेगा नहीं। एक राजा की कथनी और करनी अलग अलग होगी, यही हाथी की दो सूंड प्रतीक है। चलिए बात करते हैं अर्जुन की।
अर्जुन ने देखा एक गाय बछड़े को इस प्रकार चाट रही है कि उसके रक्त को भी चाटती चली जा रही है। ये मोह की पराकाष्ठा है। कलयुग में मानव मोह से इस प्रकार ग्रसित होगा कि वह अपने जीवन के कल्याण को भी नहीं देख पाएगा। और नकुल ने जिस दृश्य को देखा यह भी कलयुग में घटित होगा। एक पिता अपने चार चार संतानों का भरण पोषण कर देगा, लेकिन चार चार संतानें मिलकर भी अपने पिता का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। यही सब कलयुग में होगा। और सहदेव ने जो देखा, पक्षी के पंखों से वेदों की ध्वनि और मुख में मांस का टुकड़ा। आपसे पूछती हूं, क्या आज ये कलयुग में नहीं हो रहा? जिस भारत भूमि को एक धार्मिक देश कहा जाता है, जहां चप्पे चप्पे पर आपको सांस्कृतिक स्थल मंदिर मिल जाएंगे, जहां आपको सुबह उठते ही मंदिरों की घंटियां सुनाई देंगी, जहां हवन और पूजा की सामग्री की भीनी भीनी सुगंध आपको सदैव आपको प्राप्त होती रहती है, ये वो भारत भूमि है। लेकिन अफसोस, इसी भारत भूमि पर जिसे धार्मिक देश कहा गया, जहां वेदों मंत्रों की ऋचाएं गूंजा करती हैं, जहां सदैव भक्त मंदिर में जाकर भगवान की पूजा उपासना करते हैं, और फिर जब घर आते हैं तो क्या होता है? फिर बाहर से एक ऐसे जीव को पकड़कर लाया जाता है, उसे काटा जाता है और उसे फिर अपनी किचन में पकाकर उसे खाया जाता है। हम मांस भक्षण करते हैं। जिस दृश्य को सहदेव ने देखा, क्या वो आज इस भूमि पर घटित नहीं हो रहा? एक और, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और दूसरी ओर अपनी जीभा के स्वाद के लिए हम जीव जंतुओं को मारकर अपनी स्वाद की पूर्ति करते हैं। सज्जनों, मैं आपके समक्ष एक बड़ा सुंदर वाक्य रखना चाहूंगी, एक बड़ी सुंदर घटना रखना चाहूंगी। मगध के सम्राट हुए श्रेणिक एक बार अपने संपूर्ण राज्य सभा के समक्ष उन्होंने एक प्रश्न रखा और उन्होंने कहा, खाद्य सामग्री सबसे सस्ती कौन सी है, मैं ये जानना चाहता हूं। अगर अपने देश को इस समस्या से मुक्त करना है तो आप सब मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए और मुझे बताइए कि सबसे सस्ती खाद्य सामग्री कौन सी है। सब लोग सोच में पड़ गए कि गेहूं और चावल, जिसकी खेती के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सस्ती नहीं होती, और अगर प्रकृति का प्रकोप हो जाए तब तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तभी एक अधिकारी जो शिकार का शौक रखता था, उसने कहा, महाराज, सबसे सस्ती खाद्य वस्तु तो केवल मांस है, जो बिना किसी पैसे के मिलता है, और उसे खाकर हमारा शरीर स्वस्थ भी होता है, हमें पौष्टिक आहार भी मिलता है। जैसे ही उस अधिकारी ने ये बात कही, आसपास बैठे जितने भी सभासद थे, सभी ने एक स्वर में कहा, जी महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ केवल मांस है। तभी पास में बैठे थे प्रधानमंत्री अभय कुमार। महाराज श्रेणिक ने अपने प्रधानमंत्री की ओर देखा और उनसे कहा, आप चुप क्यों हैं? आप मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? क्या जो सभा में बैठे सभी अधिकारी कह रहे हैं, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? अभय कुमार ने कहा, महाराज, मैं अपने विचार कल प्रकट करूंगा। शाम हुई, प्रधानमंत्री पहुंच गए उसी सामंत के घर जिसने मांस को सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ बताया, और जाकर उनका द्वार खटखटाया और उनसे कहा, महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है, और राज वैद्य ने कहा है, यदि कोई अपने हृदय का 2 तोला मांस महाराज के लिए दे दे तो महाराज को जीवन दान मिल जाएगा। आप चाहे तो लाखों स्वर्ण मुद्राएं ले लें, लेकिन अपने हृदय का 2 तोला मांस दे दें। उस अधिकारी ने सोचा, अगर मैं अपने हृदय का मांस दे दूंगा और इन लाखों स्वर्ण मुद्राओं को ले लूंगा, जब जीवन ही नहीं होगा तो मुद्राएं लेकर क्या करूंगा? बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, अपनी तिजोरी के द्वार खोल दिए और प्रधानमंत्री से कहा, आप इसमें से लाखों स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं, लेकिन किसी और अधिकारी से जाकर उस मांस की मांग कीजिए। उस रात्रि
वह प्रधानमंत्री ना जाने कितने अधिकारियों के यहाँ गए और सुबह जब राज्यसभा में उपस्थित हुए तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने महाराज के समक्ष रख दी। महाराज श्रेणिक ने कहा, ये सब क्या है? करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं केवल 2 तोले मांस के बदले हैं और फिर भी मुझे वो 2 तोला मांस नहीं मिला। कल इन्हीं अधिकारियों ने कहा था ना कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि मांस सस्ता नहीं, मांस सबसे ज्यादा महंगा है। जब मैं इन लोगों से मांगने गया तो इन्होंने मुझे लाखों लाखों स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन किसी ने मांस नहीं दिया। आज मैं इन सभी अधिकारियों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, जिस तरह आप सबको अपना जीवन प्रिय है, क्या उन जीवों को अपना जीवन प्रिय नहीं होगा? सभा में जितने भी लोग बैठे थे सबका शीश नीचे हो गया। जो प्रधानमंत्री अभय कुमार ने बात उस सभा में रखी, आज मैं इस सभा में आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि स्वाद की पूर्ति के लिए, इस जीभा के स्वाद के लिए हम निरीह जीवों की हत्या करते हैं, क्या ये सही है? क्या ये धर्मयुक्त है? यह तो भगवान श्री राम के वचनों का अपमान है, जिन्होंने कहा, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। इस संपूर्ण समाज की रचना मैंने की है, ये जितने भी जीव देख रहे हो ये सब मेरे बनाए हुए हैं। हमें होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रांतिकारी, जो उन्होंने अभियान चलाया उसके सहयोगी बने। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, आप सब जानते हो, लेकिन जिस समय प्रभु ने गोवर्धन को धारण किया उससे पहले प्रभु ने मां कामधेनु की पूजा करवाई, उनकी पूजा उपासना पूर्ण करवाई और सारे अपने वृंदावन वासियों से कहा कि ये कामधेनु कोई साधारण नहीं, ये मां है, इसकी पूजा करो। अफसोस होता है कि आज उसी भारत भूमि पर हम रहते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं और उसी भारत भूमि पर आज मां कामधेनु का अपमान हो रहा है, उसे काटा जाता है बूचड़ खाने में और उसके मांस का भक्षण होता है। हमने तो भगवान श्री कृष्ण के उस महा अभियान को निष्फल कर दिया सज्जनों, निष्फल कर दिया और फिर कहा कि इस मांस को खाने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, हमें पौष्टिक आहार मिलता है, हमें बहुत एनर्जी मिलती है। तो सज्जनों, आपकी जो ये धारणाएं हैं ये बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया है और उन्होंने शोध कर ये प्रमाणित किया है कि जब भी हम किसी मांस को खाते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और इसी नाइट्रोजन के बढ़ने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड, क्रिओटिनिन जैसे पदार्थ पैदा होते हैं और इन विषैले पदार्थों को इस शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर की जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है वो सारी खत्म हो जाती है। अब आप बताइए, मांस को खाने से हमारे शरीर को एनर्जी कहां मिली? हमारी तो स्टोर्ड एनर्जी खत्म हो गई। जबकि शाकाहार, जब इस पर हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उन्होंने पाया कि जो लोग शाकाहारी हैं, जो लोग सब्जी खाते हैं, जो लोग फल फूल खाते हैं, वह जीवन में बहुत स्वस्थ होते हैं और उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत तीव्र होती है। वो अपने जीवन में उन सभी पौष्टिक तत्वों को उन शाक सब्जियों से प्राप्त करते हैं जिन्हें आप मांस से प्राप्त करना चाहते हैं। शाकाहार एक ऐसा भोजन है जिस भोजन के माध्यम से आप अपने जीवन को, आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं, आप अपने दिमाग को बहुत तीव्र बना सकते हैं। मुझे याद है एक घटना, 1947 की बात है, सत्याग्रह आंदोलन के ऊपर विचार विमर्श करना था, लेकिन जिस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा था वो फाइलों के ढेर में कहीं खो गई। तभी महात्मा गांधी जी ने राजेंद्र बाबू, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनसे कहा, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, आपको कुछ याद है? राजेंद्र बाबू ने कहा, आप चाहें तो मैं पूरी की पूरी फिर से लिखवा सकता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा, तो लिखवाइए।
इधर राजेंद्र बाबू उस रिपोर्ट को फिर से लिखवा रहे हैं और उधर फाइलों के ढेर में उस रिपोर्ट को ढूंढा जा रहा है। 50 पन्नों तक वो रिपोर्ट लिखाई जा चुकी थी तब जाकर उसकी ओरिजिनल कॉपी मिली और जब दोनों को देखा गया, जिस रिपोर्ट को राजेंद्र बाबू ने लिखवाया और जो ओरिजिनल कॉपी थी उनका एक एक शब्द बिल्कुल एक जैसा था। वहां खड़े लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। पास में ही जवाहरलाल नेहरू खड़े थे, उन्होंने राजेंद्र बाबू से कहा, कमाल है आपकी बुद्धि का। उस समय राजेंद्र बाबू ने बड़े सहज भाव से कहा, ये कमाल मांस का नहीं, ये कमाल दूध का है, ये कमाल शुद्ध भोजन का है और उसी के कारण मेरी बुद्धि इतनी तीव्र है। सोचिए आप कैसा भोजन करना चाहेंगे, वो भोजन जो आपके जीवन को अच्छा बनाए, आपको स्वस्थ बनाए, आपको हृष्ट पुष्ट बनाए, या वो भोजन, वो मांस जिसके द्वारा आपके जीवन में रोग पैदा हो और आप शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। बताइए कौन सा भोजन करना उपयुक्त है। सज्जनों, हम भारतवासी हैं, इस भारत भूमि पर जन्म लेना हमारा सौभाग्य है और आज इस भारत भूमि को स्वच्छ बनाना भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा दायित्व है। लेकिन ये स्वस्थ तब बनेगा जब हर भारतवासी का जो जीवन है वो स्वस्थ बने, और हर भारतवासी का जीवन स्वस्थ तब बनेगा जब वो अपने जीवन में उन शुद्ध भोजन को ग्रहण करेगा और इस मांस का तिरस्कार करेगा, इसे दूर करेगा। हमें अपनी संस्कृति को पहचानना होगा, हमें अपने श्री राम के वचनों का सम्मान करना होगा, हमें अपने भगवान श्री कृष्ण के अभियान का पालन करना होगा और उन जीव जंतुओं के उनका सम्मान करना सीखो, उन मां कामधेनु का सम्मान करना सीखो जो जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिनके संग हमारे श्री कृष्ण ने जब लीलाएं की तो उन्हें एक नया संबोधन मिला, गोविंद कहा गया उन्हें, गोपाल कहा गया उन्हें। भगवान श्री कृष्ण ने इन संबोधनों को स्वीकार किया ताकि मानव जाति भी कामधेनु का सम्मान करे, उनका तिरस्कार न करे। सज्जनों, लेकिन मानव को उसके भीतर इन भावनाओं से पोषित करने के लिए केवल मात्र कोरी बातों से काम नहीं चलेगा, हमें उसके भीतर उस धर्म को प्रकट करना होगा जिस धर्म के प्रकट होते ही जीवन में जो अधर्म है, जो विकार है, वो समाप्त हो जाएंगे। और यही वो दृश्य है, यही वो सार है जिसे भीम ने देखा और भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया। भगवान कृष्ण ने कहा, भीम, जिस दृश्य को तुमने देखा कि पहाड़ी पर से बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं और वृक्षों को भी धराशायी कर रहे हैं, लेकिन एक तृण के सामने आकर रुक गई, ये किसका प्रतीक है? वो हमारा मन जो विषाक्त हो चुका है, जो अधर्म से युक्त हो चुका है, इस मन को अगर नियंत्रण करना है तो केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान रूपी तृण ही इसे नियंत्रित कर सकता है और कोई उपाय नहीं। केवल मात्र धर्म ही, ब्रह्म ज्ञान ही मानव को सद्मार्ग दिखा सकता है, उसे सच्चे मार्ग की ओर प्रशस्त कर सकता है। केवल एक ही मार्ग है। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, गुरुदेव की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जो मां कामधेनु का संरक्षण हम भारतवासियों को करना है, उसके प्रति भी भारतवासियों को जगाया जा रहा है। आज हम यही आवाहन लेकर आपके समक्ष आए हैं, भारतवासियों जागो और अपनी संस्कृति को पहचानो, मां कामधेनु का संरक्षण करो, उसका संवर्धन करो और उन निरीह जीवों का सम्मान करो जो भगवान की बनाई हुई ही कृति है। पहचानो इस वक्त की चाल को, कलयुग किस प्रकार इस धरा के ऊपर घूम रहा है और उसने सारी धरा को कलुषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है,
कि हमारे जीवन में वो ब्रह्म ज्ञान आए, हमारे जीवन में वो योग आए और हम उस योग को प्राप्त कर योगी बन जाएं और कृष्ण के आदर्शों का पालन कर पाएं। यही आवाहन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका करता है कि हे भारतवासियों, ये समय है उठने का, जागने का, अपनी संस्कृति को पहचानने का। पहचानो वक्त की चाल को, पहचानो वक्त की चाल को। पहचाने वक्त की चाल को, पहचाने वक्त की चाल को, पहचाने वक्त की चाल को। ये अवसर नहीं गवाए योग अग्नि में तप कर हम योगी हो जाए। हाँ, योग अग्नि में तप कर हम योगी हो जाए, हम योगी हो जाए, हम योगी हो जाए। पहचाने वक्त की चाल को, पहचाने वक्त की चाल को। से नर कन्या ब्रह्म ज्ञान मिलता है, परम तत्व ही लक्ष्य हमारा, ग्रंथ यही कहता है। बड़े भाग्य से नर कन्या ब्रह्म ज्ञान मिलता है, परम तत्व ही लक्ष्य हमारा, ग्रंथ यही कहता है। आत्म जागृति पागल लक्ष्य भेद हम पाए, लक्ष्य भेद हम पाए। योग अग्नि में तप कर हम योगी हो जाए। हाँ, योग अग्नि में तप कर हम योगी हो जाए, हम योगी हो जाए, हम योगी हो जाए। पहचाने वक्त की चाल को, पहचाने हो जाए भरा पर विश्व शांति को लाने, भक्त कबीरा और मीरा से बनने की अब ठाने। प्रतिबद्ध हो जाए भरा पर विश्व शांति को लाने, भक्त कबीरा और मीरा से बनने की अब ठाने। वसुधैव कुटुंबकम का में तप कर हम योगी हो जाए। हाँ, योग अग्नि में तप कर हम योगी हो जाए, हम योगी हो जाए, हम योगी हो जाए।
योगी हो जाए पहचाने वक्त की चाल को पहचाने वक्त की चाल को में तप कर हम योगी हो जाए हाँ योग अग्नि में तप कर हम योगी हो जाए हम योगी हो जाए हम योगी हो जाए पहचाने वक्त की चाल को पहचाने वक्त की चाल को पहचाने वक्त की चाल को पहचाने पहचाने वक्त की चाल को सजनों कलयुग की चाल को पहचानना होगा और इस कलयुग से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है जिस उपाय को भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को बताया और जिस उपाय को प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी महाराज के समक्ष पहुंच गए राजा परीक्षित वो उपाय कोई और नहीं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी वही उपाय वही समाधान आज इस समाज को दे रहे हैं और गुरुदेव का संकल्प है मानव में क्रांति से विश्व में शांति गुरुदेव इस समाज में नवयुग की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध हैं कैसे कलयुग के दुष्प्रभाव से मानव को मुक्त करने का उपाय केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान है और आज गुरुदेव जन जन तक इस ब्रह्म ज्ञान को पहुंचा रहे हैं और मानव के मन के भीतर परिवर्तन ला रहे हैं हम आप सबका भी आह्वान करते हैं आओ भारतवासियों अपनी संस्कृति का सम्मान करो भगवान श्री राम के वचनों का सम्मान करो निरीह जीवों के प्रति प्रेम दया भाव रखो उस धर्म से संयुक्त हो जाओ और आओ इस दिव्य पंडाल में एक संकल्प लो कि आज के बाद हम किसी भी निरीह जीव जंतु का अपमान नहीं करेंगे हम मां कामधेनु के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी उठ खड़े होंगे हम आपका आह्वान करते हैं आइए हमारे संग हमारे कामधेनु प्रकल्प में जुड़ जाइए और भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है जिसके दुग्ध की धारा कभी इस भारत भूमि पर बहा करती थी लेकिन आज उसी भारत भूमि का बच्चा दूध के लिए रोता है बिलकता है आओ प्रयास करें और अपनी देसी नस्ल की गाय का संरक्षण करें ताकि इस भारत भूमि पर कोई भी भारतवासी कोई भी बच्चा दूध के लिए कभी क्रंदन करता दिखाई न दे हम आपका आह्वान करते हैं आओ अपनी गौ का संरक्षण करें इन जीव जंतुओं का संरक्षण करें और अपने प्रभु के प्रेम को प्राप्त करें उनकी दया को प्राप्त करें तब जाकर हम प्रभु के भक्त कहलाएंगे तब जाकर हम सही मायने में धार्मिक बन पाएंगे तब जाकर हम सही मायने में योगी कहलाएंगे जब हमारे भीतर योग उतर आएगा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करिए कलयुग के दुष्प्रभाव से मुक्त होइए और नवयुग की डगर पर बढ़ चलिए यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपसे कहने आया है आप मनुष्य हैं मनुष्य की परिभाषा जानते हैं आप मनुष्य किसे कहा जाता है मननात इति मनुष्य जो मनन करता है जो स्वाध्याय करता है जो चिंतन करता है जो एनालिसिस करता है उसे कहते हैं मनुष्य आपको भी केवल मात्र इन शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि इस पंडाल का त्याग करें और जो शब्द सुने जो भाव सुने उन्हें वहीं छोड़कर घर की ओर बढ़ जाएं, नहीं सज्जनों ये समय है कि इन शब्दों को अपने अंतर में उतारें घर में जाकर बैठकर स्वाध्याय करें मनन करें चिंतन करें और तदोपरांत अच्छे मार्ग की ओर बढ़े और अपने जीवन को सुंदर बनाएं तब इस कथा को सुनने का लाभ है और तब सही मायने में आप मनुष्य हैं जब आप मनन करते हैं मैं आपसे पूछती हूँ मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आज आपके लिए एक ऑफर है आप इस मानव तन को दे दीजिए और इसके बदले
जो 80 लाख ये जो योनियां है इसमें से किसी भी योनि को धारण कर लीजिए, क्या करोगे? मानव तन हमें दे दो, 84 लाख की योनियों में से कोई भी जीव, कोई भी योनि आप ले लो, आज आपके लिए ऑफर है। बोलो, ये ऑफर स्वीकार है? स्वीकार है? कौन कौन है जो अपने मानव तन को एक्सचेंज करना चाहता है और दूसरी योनि लेना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताओ। वो पिताजी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, ये मानव तन ठीक है। क्यों? मैं आपसे एक प्रश्न करती हूं, आप इस मानव तन को किसी और योनि से एक्सचेंज क्यों नहीं करना चाहते हैं? आखिर इस मानव तन की स्पेशलिटी क्या है? पता है इस मानव तन की उपयोगिता क्या है? क्यों इस मानव तन को सर्वोत्तम कृति कहा गया? क्यों इसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया? क्यों? क्योंकि मानव तन ही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। मानव तन एक साधन है अपने स्वयं को जानने का, स्वयं पर कार्य करने का। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है एलेक्सिस, जिन्होंने अपनी पुस्तक मैन द अननोन में लिखा कि मनुष्य के दो रूप होते हैं, एक वो जो बाहरी आवरण है, जो आप सब जानते हो, किसी की देह 5 फुट की है, किसी की 5 फुट 2 इंच की है, किसी की 6 फुट की है, लेकिन एक दूसरा रूप भी है, और वो कौन सा रूप है? उसका आंतरिक रूप है। एलेक्सिस ने बहुत सुंदर कहा, उसने कहा अपने बाहरी आवरण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन अपने भीतरी आवरण के बारे में कोई नहीं जानता, अपनी भीतरी स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता। एक बार एक व्यक्ति राम तीर्थ जी के पास आया, आकर कहने लगा मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, आप जरा भगवान से मुझे मिलवा दो। राम तीर्थ जी ने बड़े ही भोले भाव से कहा, अरे मैं तो भगवान का केवल चपरासी हूं, जरा एक कागज पर लिख कर दे दो कि तुम कौन हो, तो मैं भगवान को तुम्हारी सिफारिश लगा दूंगा, तुम्हारा कागज दे दूंगा। उस व्यक्ति ने अपना नाम लिखा और राम तीरथ जी को पकड़ा दिया। राम तीरथ जी ने कागज पढ़ा और कहने लगे, अरे ये तो आपने अपना नाम लिख दिया, आप कौन है ये लिखिए। व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, फिर जिस राज्य का मंत्री था वो लिख दिया, फिर कागज पकड़ा दिया। राम तीरथ जी ने पढ़ा, कहने लगे, अरे ये तो आपका कर्म क्षेत्र है, आप कौन है ये बताइए। उस व्यक्ति ने लिखा, मैं एक आदमी हूं। राम तीरथ जी ने पढ़ा, कहने लगे, ये तो आपने अपनी प्रजाति लिख दी, आप ये बताइए आप कौन है। उस व्यक्ति ने राम तीरथ जी के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगा, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं यही तो जानना चाहता हूं। सज्जनों, हमारी पहचान ये तन नहीं, ये 5 से 6 फुट की देह नहीं, ये तो अग्नि में जलकर राख हो जाएगी। हमारी पहचान क्या है? सुनहु तात यह अकत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बड़ी सुंदर कहानी है, आपकी आपकी और आपकी नहीं, हम सब की कहानी है। हम उस ईश्वर की संतान है, उसका अंश है, और उसी के अंश से हम इस धरा पर ये मानव देह को धारण कर आए हैं। हमारा असली स्वरूप क्या है? हमारी पहचान क्या है? हमारा आत्मिक तत्व हमारी पहचान है, हमारी आत्मा हमारी पहचान है, जो परमात्मा से विलग होकर इस धरा पर आई है। लेकिन सज्जनों, अफसोस, हमने इस देह के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमने अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। हम तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए और स्वयं को एक देह तक समझ लिया और अपने जीवन को जीने लगे। तभी तो सज्जनों जीवन में इतने दुख हैं। आपके समक्ष एक एक्सपेरिमेंट रखना चाहूंगी। एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए फिलिप जिम्बाडो, जिन्होंने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया, आप सबने सुना होगा स्टैनफोर्ड बंदी प्रयोग। एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इतिहास के भीतर बहुत नाम कमाया।
और एक ऐसी छाप हमारे समक्ष छोड़ी जो हमारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर हमें दे सकती है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, विश्वविद्यालय के तहखाने में एक बड़ा सा कारागार बनाया गया। मनोवैज्ञानिक ने एक विज्ञापन निकाला और उस विज्ञापन में यह छापा कि हमें मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कारागार में कुछ पुरुष विद्यार्थियों को रखना है। जो इसमें भाग लेना चाहे वो निमंत्रित है, उसे एक दिन का $15 दिए जाएंगे। बहुत से लोगों के नाम आए, 24 लोगों को चुना गया, 12 को बंदी गृह में डाला गया, उन्हें बंदी बनाने की सोची गई और 12 को उसके जेलर बनाने के बारे में सोचा गया। अब क्या हुआ, इस सारे एक्सपेरिमेंट को सच्ची घटना का रूप देने के लिए जिन्हें कारागार के सैनिक बनाया गया उन्हें उनकी वर्दी भी पहनाई गई और उन्हें अधिकार दिया गया कि आप इस कारागार को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, बस शारीरिक यातनाएं नहीं दोगे। जिन्हें बंदी बनाने के लिए चुना गया उन्हें कहा गया अब आप ये यूनिफॉर्म पहनिए कैदियों वाली। उस पर उनके नंबर्स भी लिखे थे, नेम प्लेट्स भी थी और साथ ही साथ उनसे कहा गया कि अब आपको कुछ दिनों के लिए बहुत ही सादा भोजन मिलेगा और यहाँ इस चट्टाई पर सोना होगा। सब तैयार। लेकिन घटना को और वास्तविक रूप देने के लिए जिन्हें बंदी बनाया गया उन्हें घर भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया, उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से उन्हें उठाकर कारागार में बंद किया गया। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने लगे। बंदी गृह में बंदी बंद हो गए और सैनिक वहां तैनात हो गए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे शारीरिक यातनाएं उन बंदियों को दी जाने लगी। मानवता खत्म हो गई और अब वे इतने खूंखार बन गए सैनिक कि वो उस कारागार में जो बंदी बने थे उन पर खूब अत्याचार करने लगे। जो बंदी बने थे वो भी तनाव के शिकार हो गए और दो कैदी तो ऐसे थे जिन्हें बीच एक्सपेरिमेंट में बाहर निकालना पड़ा। और मनोवैज्ञानिक का ये जो एक्सपेरिमेंट था जो 15 दिन के लिए चलना था ये 6 दिन में ही समाप्त हो गया और सभी को कारागार से मुक्त करना पड़ा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये जीवन भी एक प्रयोग है और इसमें हम भी अपने अपनी दायित्व को निभाते हैं। कोई माता है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई दादा है, कोई दादी है। व्यवसाय के अनुसार कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। इन किरदारों को निभाते निभाते सज्जनों हम अपने जीवन की वास्तविकता को ही भूल गए, वही जो उन कैदियों और उन सैनिकों के साथ हुआ। यदि वो ये याद रखते कि वो केवल मात्र एक अभिनय कर रहे हैं तो वो जो दुख उन्हें मिला, जो यातनाएं उन्हें मिली वो कभी नहीं मिलती। हम भी इस प्रयोग में अपनी वास्तविकता भूल गए और स्वयं को इस देह तक सीमित कर लिया, स्वयं को इन रिश्ते नातों तक सीमित कर लिया। हमें अपनी वास्तविक पहचान को पाना होगा। हमारी वास्तविक पहचान यही है कि हम उस ईश्वर के अंश हैं और हम एक आत्मा है जिसने इस देह को धारण किया है और इसे आगे की यात्रा करनी होगी। ये मानव तन एक साधन है सज्जनों, जिससे आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ये आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार केवल मात्र इस मानव तन में हो सकता है, इसलिए आपको ये मानव तन प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यों से मिला है, बड़ी प्रार्थनाओं से मिला है, इसे सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया। सज्जनों इसका दुरुपयोग मत करिएगा। मानव तन मिला है, साधन मिला है, तो आत्मिक उन्नति को प्राप्त करिए और आवागमन के चक्र से इस आत्मा को मुक्त कर परमात्मा में संयुक्त करिए और मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करिए। यही हमारे ग्रंथ हमसे कहना चाहते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा।
उन्होंने कहा, ये मानव तन ही साधन है जिससे आप अपने जीवन को संवार सकते हो, अपनी आत्मा को विकास की ओर, उन्नति की ओर ले जा सकते हो। मानव तन ही एक साधन है, लेकिन अगर आपने इस मानव तन का सदुपयोग नहीं किया तो आगे वो क्या कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर आप काल को दोष दोगे, कर्मों को दोष दोगे, ईश्वर को दोष दोगे कि हमें ही भगवान से मिलने का संदेश नहीं मिला, हमें ही इस आत्मा की उन्नति का मार्ग नहीं मिला, तो सज्जनों वो दोष निरर्थक होंगे, मिथ्या होंगे, क्योंकि आपको संदेश मिला है, बस आवश्यकता है संदेश को अपने भीतर उतारने का और आत्मा को इस आवागमन के चक्र से मुक्त करने का, इस साधन के उपयोग करने का। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर शब्दों में संपूर्ण मानव जाति को जगा रहे हैं और वे इन शब्दों में क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। सब ग्रंथ ही गावा सवारा सुलभ कर पावा सियाराम सियाराम जय जय राम 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 जय रूपी साधन मिला है। आइए इस साधन को प्राप्त कर सद्गुरु की शरण में जाकर हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, अपने अंतर्घट में अपने नारायण का दर्शन करें, अपने बांके बिहारी से जुड़ जाएं, जन्म जन्मांतर से जो आत्मा अतृप्त है उसे परमात्मा से जोड़कर उसे तृप्ति प्रदान करें और आवागमन के चक्र से मुक्त होने का उपाय ढूंढ लें, मार्ग प्राप्त कर लें। आप सब अपने जीवन में उस लक्ष्य की ओर बढ़ पाएं
मानव तन रूपी साधन का सदुपयोग कर पाएं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं और मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर पाएं, प्रभु के श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है और आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने मानव तन रूपी साधन का उपयोग करें और प्रभु के पावन धाम को प्राप्त करें, प्रभु के सुंदर दर्शनों को प्राप्त करें। इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोल श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। हमारे मध्य में मुख्य अतिथिगण उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे मध्य में श्रीमती राशेश्वरी पाणिग्रही जी, जो कि यहाँ के क्षेत्र की एमएलए हैं, बीजेडी से हैं, भारतीय जनता दल से हैं, विकी दास जी रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल जीएम कॉलेज से, और श्रीमती गुरजिंद्र डिंगरा जी समाज सेवी हैं, आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आए। पुरुषोत्तम तुलसीराम जी, आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आए। आज के कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमती एवं श्री श्याम लाल अग्रवाल जी, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, श्रीमती एवं श्री भीमसेन बंसल जी, श्रीमती एवं श्री नरेश अग्रवाल जी, श्रीमती एवं श्री अशोक अग्रवाल जी, श्रीमती एवं श्री सज्जन भलोटिया जी और तुली परिवार, आपसे आग्रह की कृपया आप मंच के निकट आए सपरिवार। आज के कार्यक्रम के दैनिक यजमान हैं श्रीमती एवं श्री मदन लाल जिंदल जी राउरकेला से, श्रीमती एवं श्री संतोष अग्रवाल जी बेलपाड़ से, श्रीमती एवं श्री पवन लोहिया जी, श्रीमती एवं श्री ओम प्रकाश भलोटिया जी, श्रीमती एवं श्री रमेश पोद्दार जी और श्रीमती एवं श्री शंभु बरेलिया जी, आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। और सभी प्रभु भक्तों से मेरा आग्रह कि अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं आरती में सम्मिलित होने के लिए। और देवीदत्त अग्रवाल जी, आप बेलपाड़ से, आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, ढांचे दरबार की जय। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, हरिओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम परुणा के सागर, तुम पार
स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलह दयामय किस विधि मिलह दयामय तुमको मैं तुम की हरि ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक प्रभु मेरे अपनी शरण लगाओ द्वार प्रणाम तेरे हरि ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा हरे हरि ओम जय जगदीश हरे